जय हिंद। क्लास 10th मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, आज इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मैथमेटिक्स की लगभग तैयारी कर ली होगी और प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है काफ़ी ईजी चैप्टर माना जाता है। लेकिन बच्चों आपको मैं बता दूँ, इस चैप्टर में भी बच्चे छोटी छोटी गलतियों की वजह से पेपर में अपने मार्क्स कटवा देते हैं। ठीक है, और सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिले। ठीक है, तो बच्चों ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपकी एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें तो कवर करूंगा ही, साथ साथ वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में दिख सकते हैं भाई और वह एनसीईआरटी में नहीं है, उन्हें भी बच्चों इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो यानी कि अगर आपने पहले इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो रिविजन के लिए बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे एग्जाम वाले क्वेश्चन तो डिस्कस हो ही रहे हैं, और साथ साथ वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे भाई, तो उन्हें भी मैं बता दूं बेटा पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, और साथ साथ एग्जाम के लिए भी बच्चों आप लोग इस वीडियो से अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए चैप्टर का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। ये आपकी बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बेटा इस चैप्टर को जाना जाता है प्रायिकता के नाम से, प्रायिकता। देखिए प्रोबेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए प्रोबेबिलिटी है क्या चीज, तो हम इसकी जो देखो डेफिनेशन देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी हो सकती है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख सकता हूं, द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। हिंदी माध्यम वाले बच्चे समझ सकते हैं, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। ठीक है, और उस संभावना को भी बेटा हम लोगों ने अब मैथमेटिकली वहां पे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम लोगों ने इस वैल्यू को बताना है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब एक सिक्के को टॉस किया जाता है तो टॉस करने पर कभी कभी हेड भी आता है और कभी कभी टेल भी आता है। ठीक है, जब आप सिक्के को टॉस करोगे तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि अब बस हेड ही आने वाला है या आज बस टेल ही आएगा, आप ये बताते हो कि हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। और जब बात की जाती है चांसेस की, तो चांसेस की सिचुएशन में आप बोला करते हैं कि हाँ हेड के आने के चांसेस 50% है और टेल के आने के चांसेस भी क्या है 50% है। ठीक है, तो ये जो 50% बेटा आपने बताया, आपने क्या किया है, उस हेड के आने की जो पॉसिबिलिटी है बेटा उसको मैथमेटिकली आप लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया बेटा क्वांटिटेटिव टर्म्स में। बात समझ में आ रही बच्चों? तो इस चैप्टर में बेटा अब हम यही करने वाले हैं, हम बात क्या करेंगे किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बेटा हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की आप बात कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? देखिए ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो है बेटा सर्टेन रिजल्ट इज नॉट सर्टेन। ठीक है, जिसका रिजल्ट आप लोगों को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट, कॉइन को टॉस करते हो तो क्या आपको मालूम है कि हेड आएगा या टेल आएगा? आपको नहीं मालूम, तो कॉइन को टॉस करना क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक डाइस को थ्रो करते हो, और डाइस को थ्रो करते हो तो क्या आपको मालूम है कि डाइस पे 6 आएगा? क्या आपको मालूम है 1 आएगा? आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो ये भी क्या बेटा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्यों? क्योंकि आपको इसका रिजल्ट नहीं मालूम। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज बेटा जहां पर आपको रिजल्ट मालूम नहीं होता उस सिचुएशन में आप क्या बोलते हो कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो सर ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए कि जिस जो रैंडम एक्सपेरिमेंट ना हो। तो देखिए शोले मूवी आप लोगों ने देखी हुई है, उस मूवी में आपने देखा था कि जो अमिताभ बच्चन है ना उनके पास एक कॉइन था जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड जो थी कॉइन की दोनों साइड में हेड बना हुआ था, आई थिंक टेल बना हुआ था। अब मान लो लेफ्ट साइड में भी टेल था, राइट साइड में भी टेल था। ठीक है, अब उस कॉइन के जब आप टॉस करते बेटा तो टॉस करके आपको क्या मिलना था? टेल, ऑब्वियस है टेल ही मिलेगा। अब देखिए वो जो कॉइन है उस कॉइन को टॉस करना हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको कन्फर्म मालूम है क्यों क्या आएगा। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए भैया एक चीज समझो कि जो आउटकम्स हमारे होंगे वो एक से ज्यादा हो, पहली बात तो एक से ज्यादा आउटकम्स होने चाहिए भाई। ठीक है, और आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि भैया एग्जैक्टली क्या उस एक्सपेरिमेंट में आने वाला है, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा वो आपको पहले से मालूम नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, अच्छा
और कोई एग्जांपल इसका हो सकता है? अच्छा मैं कहता हूँ एक ड्राइवर से कि भाई तूने एक गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाना है। तो देखो गाड़ी को जब भी कोई ड्राइवर स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो उससे गाड़ी स्टार्ट होगी ही होगी, ठीक है। हाँ मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है भाई, ठीक है, मतलब मैंने अभी बीच में सीखी थी, लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या होती है, कभी कभी मैं एक बार में स्टार्ट कर तो देता हूँ, कभी कभी स्टार्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अगर आप में से किसी ने बाइक चलानी अगर सीखी होगी तो उसको मालूम होगा, जब बच्चा बाइक चलानी पहली बार सीखता है, ठीक है, तो कभी कभी बाइक स्टार्ट हो भी जाती है, वो होता है ना उसमें एक साइड से क्लच छोड़ो दूसरी साइड से रेस दो, और कभी कभी गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आप कह सकते थे कि हाँ भाई गाड़ी चालू होगी या नहीं होगी, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ सकती थी। लेकिन हाँ अब भाई मैं बाइक चलाना तो अच्छे से सीख चुका हूँ, ठीक है, और अब मुझसे बोल दिया जाए कि अनुराग तेरे को बाइक स्टार्ट करनी है, तो हाँ मैं एक बार में बाइक स्टार्ट कर देता हूँ। बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, तो देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको पहले से मालूम अगर है, ठीक है, तो भाई रैंडम नहीं है भाई, रैंडम होने के लिए क्या है, रिजल्ट आपको मालूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सोचिए 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, उसमें से एक कार्ड मैं निकालता हूँ, एक कार्ड ड्रॉ करना है, ठीक है, क्या वो पक्की बात है एस का होगा? आप कहोगे नहीं सर जरूरी नहीं है एस का हो। आप कह सकते हो कि सर क्या पता वो कोई किंग हो, कोई क्वीन हो, कोई जैक हो, ठीक है, कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वहाँ पे, तो वो भी क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको रिजल्ट पहले से नहीं मालूम भाई। बात समझ में आ रही बच्चों? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब भाई आप लोग समझ चुके हो कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें रिजल्ट आपको पहले से मालूम नहीं होता, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो उसके जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो उसके जो आउटकम्स हैं वो कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सिक्के का भी एग्जांपल हमने दिया, कॉइन का, डाइस का भी एग्जांपल मैंने दिया, कार्ड का भी एग्जांपल मैंने दिया। कॉइन को टॉस करते हो तो एक से ज़्यादा आउटकम्स हो सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। डाइस को थ्रो करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे एक कार्ड को ड्रॉ कर सकते हो तो 52 कार्ड्स होते हैं, कोई सा भी कार्ड उसमें से निकल सकता है यार, ठीक है। तो ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है यार, ठीक है। अगर मैं बोलूँ गाड़ी चलानी है एक ड्राइवर ने, ठीक है ना, तो भैया वो रैंडम एक्सपेरिमेंट आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि गाड़ी ने तो स्टार्ट होना ही है, ठीक है। मैं किसी प्रोफेशनल किसी बास्केटबॉल प्लेयर से कहता हूँ कि भैया तूने एक बॉल को, ठीक है ना, बास्केट के अंदर डालना है, तो ऑब्वियसली वो खड़े होकर डाल देगा क्या उसमें, ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ मेरे से बोलो कि मैं नहीं डाल पाऊंगा भाई, क्या पता डाल भी दो, क्या पता ना डाल पाऊँ, ठीक है, बैट लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ होती है बेटा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग आप लोग समझ पाए, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए ऐसा है ना, प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की तो उसमें देखो आप लोगों ने एक टर्म सीखी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद बड़ा एक चीज और समझिए, पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है बेटा, पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चे पॉसिबल रिजल्ट्स। जैसे एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक सिक्के को हमने एक बार उछाला, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब जब सिक्के को आप उछाल रहे हो, सिक्के को आप टॉस कर रहे हो, तो सिक्के पर कॉइन पर क्या चीज मिलेगी आप लोगों को, तो आप बोलेंगे आपको हेड भी मिल सकता है और आपको टेल भी मिल सकता है। तो ये हेड का आना और टेल का आना क्या है, ये पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, इनको आप लोग बेटा आउटकम्स के नाम से भी जानते हो, पॉसिबल आउटकम्स, राइट। ये हमारे लिए क्या बेटा, पॉसिबल आउटकम्स। होता क्या है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना बेटा, उन्हें इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। जैसे एच आर टी है, देखो ब्रैकेट भी आपने देखा होगा, एक ब्रैकेट ऐसा, एक ब्रैकेट ऐसा, ठीक है। आउटकम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा ये कर्ली ब्रैकेट यूज किया करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेटा ये दो पॉसिबल आउटकम्स थे, ठीक है। अब होता क्या है ना, जब भी कभी सभी आउटकम्स को इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है बेटा, तो ये जो चीज बन के आती है इसको नाम दिया जाता है क्या, सैंपल स्पेस। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, सैंपल स्पेस। अगर बोले कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होता है, तो याद रखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट और समझिए, मैं कहता हूं कि अ डाइस इज थ्रोन वंस,
हमने डाइस को कितनी बार फेंका, हमने थ्रो किया एक बार, ठीक है, डाइस को हमने थ्रो किया एक बार, ओके। अब देखिए ये जो डाइस को थ्रो करना है बेटा, डाइस आपने हाथ पे लिया उसको थ्रो किया, तो इस डाइस को थ्रो करना क्या बेटा, ये है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो सोचिए रिजल्ट्स क्या क्या मिल सकते हैं। आप बोलोगे वन मिल सकता है, टू मिल सकता है, थ्री मिल सकता है, फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है जी, ये सब हमारे लिखे हैं पॉसिबल आउटकम्स, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, ठीक है। अब इन्हीं संभावित परिणामों को बेटा अगर मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूं, ये करली वाला ब्रैकेट, ठीक है, तब ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं, तब ये बन जाता है हमारे लिए क्या, सैंपल स्पेस। देखिए छोटी छोटी टर्म्स, देखो अभी बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे बेटा, और ये सब चीज आप लोगों को याद आ रही होगी कि हाँ सर ऐसा होता है, तो ये भी आप समझिए भाई। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की, कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया कैसे जाता है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में हम प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बट कैसे, ठीक है। अब जरा सोचिए अ कॉइन इज टॉस्ड, कितनी बार, एक बार, सिक्के को एक बार उछाला, बताओ बच्चों हेड के आने के चांसेस क्या हैं, ठीक है जी। अब किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछते हो तो वो भी बता देता है कि हाँ भैया हेड के चांसेस क्या हैं, 50%, टेल के चांसेस क्या हैं, 50%, तब एक शब्द यूज करते हो ना 50-50, है ना, तो वही है। तो आप बोलते हो क्या हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है, तो सर इसी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए होता क्या है, जब हम सिक्के को एक बार उछालते हैं तो देखो दो ही ऑप्शन, दो ही पॉसिबिलिटीज बेटा हमारे पास है, ये हमारे लिए क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए बेटा, एच और टेल। तो इस पर अगर मैं बोलता हूँ कि हेड के आने के चांसेस क्या है, तो आप बोल दोगे क्या 50%, मैं अगर आपसे बोलूँ टेल के आने के चांसेस क्या है, तो आप तब भी क्या बोलोगे 50%, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी को बेटा परसेंटेज में नहीं यूज किया जाता, प्रोबेबिलिटी को हम लोग परसेंटेज में डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो रेशियो है बेटा, और रेशियो कैसा जरा देखिएगा, अगर मुझसे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, तो देखो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल चांसेस हमारे पास है कितने, तो आप बोलते हो कितने हैं, दो, ठीक है। अब इन दोनों में से हेड आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है भाई, इन दोनों में से हेड आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है, तो आप बोलते हैं हेड आपको एक बार दिखाई दे रहा है, तो भाई देखो क्या बन गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों वो आपको रेशियो में दिखाई देता है, जरूरी है रेशियो में दिखाई दे, आप इसको पॉइंट में ऐसे डिनोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, परसेंटेज में नहीं लिखा जाता भाई कभी भी इसको, इसको हम कभी भी परसेंटेज में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर यही चीज मैं आपसे बोल देता प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, तो देखो डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो आप लिखते हो यहाँ पे दो, बट टेल कितनी बार दिखाई दे रहा है भाई आपको इस पे, आप बोलोगे एक बार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे भैया कि टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या है भाई 0.5, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये पूरा लिखा है ना, आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते थे, पी लिखो, पी, पी का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो, हेड, ऐसी प्रोबेबिलिटी लिखो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो, टेल, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर ये जो भी चीज लिखी जाती है ना, ये इवेंट होती है, इवेंट, ठीक है, हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना भी क्या बच्चों, ये एक इवेंट है, ठीक है। ऐसे कई सारी इवेंट्स हमारी बन सकती हैं, जैसे एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखिए बेटा, मैं आपसे कहता हूं अ डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस का थ्रो किया कितनी बार, एक बार, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, तो आप क्या जवाब दोगे बेटा पॉसिबल आउटकम्स का, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो बड़े देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे कि इवन नंबर है कितने हमारे पास, इवन नंबर है कितने भाई,
इवन नंबर, आप बोलोगे एक इवन नंबर है टू, एक इवन नंबर है फोर, एक इवन नंबर है सिक्स, सही बात है। तो देखो हमको प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, किस चीज की इवन नंबर की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर, याद रेशियो है भाई, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने छः, ठीक है। उसमें से उन छः में से इवन कितने है भाई, इवन, तो आप बोलोगे एक दो तीन, ये तीन ही है भाई इवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा ये चीज़ अगर बेटा मैं आपसे बोल देता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो अब देखिए, अब सोचिए ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं भाई, ऑड नंबर, ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं, तो आप बोलोगे एक है, तीन है, पाँच है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगी भाई, तो यहाँ पे तीन नंबर हैं और कितने में से, छः में से, तो अगेन आंसर विल बी 1/2, ठीक है। अगर मुझसे पूछ लिया जाता, अगर मुझसे पूछ लिया जाता बच्चों कि प्रोबेबिलिटी, थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन थ्री, ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या है लेस देन क्या है थ्री हैं, तो सोचिए नंबर्स लेस देन थ्री, इन छः में से ऐसे कितने नंबर हैं जो तीन से छोटे हैं, तो आप जवाब क्या लिखोगे, वन एंड टू ये लिखोगे भाई, है ना। तो देखिए हमको तो प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, नंबर लेस देन थ्री, तो देखिए टोटल कितने आउटकम्स हैं इसमें, छः, उसमें से लेस देन थ्री कितने भाई, तो आप बोलोगे एक और दो, तो देखो आंसर यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका हो गया भाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, हम तरीका क्या है कि रेशियो है जिसमें कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या लिखा जाता है, फेवरेबल आउटकम्स। जैसे नंबर लेस देन थ्री बोल रहा हूँ तो उसमें फेवरेबल सिर्फ दो ही है, ओके। तो इसको देखिए, इसको लिखने के लिए एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया बच्चों, फॉर्मूला क्या है देखिएगा, फॉर्मूला हमारे पास हो चुका है बच्चों, कभी भी किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी ई ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इवेंट हो सकती है भाई, ठीक है। जैसे मैंने ई लिखा, आप इसको एफ लिख लो, जी लिख लो, एच लिख लो, ई वन, ई टू, ई थ्री, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब भी आपसे पूछ ली जाती है बेटा, तो इसका जवाब क्या लिखा जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, अच्छा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखते हैं, किसी भी घटना ई के संभावना, किसी भी घटना ई की संभावना, प्रायिकता, तो डिनोमिनेटर में हर में क्या लिखा जाएगा, कुल संभावित, कुल संभावित परिणाम, न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, कुल अनुकूल परिणाम, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर में, टोटल फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में, तो ये तरीका होता है भाई, ठीक है। यही कि फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब देखो इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अधिकतम। जैसे आप बोलते हो कि हाँ ये तो 100% होके ही रहेगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, परसेंटेज में नहीं बताना भाई, ठीक है ना, परसेंटेज में नहीं बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम क्या बोलते हैं, 1। अगर बोले प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट ई की, वो मिनिमम कितनी हो सकती है भाई, मिनिमम, तो याद रखिए मिनिमम वो क्या हो सकती है, मिनिमम हो सकती है 0, ठीक है। तो अगर कभी बोल दिया जाए कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है 1 से और ज़्यादा होती है 0 से, तो ये गलत है भाई। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में नहीं होती, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1
तक होती है, यानी कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो भी हो सकती है और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन भी हो सकती है। वन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। याद रखिएगा, कभी अगर लिखा हो कि हाँ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 है तो समझना गलत है भाई। भाई टोटल पॉसिबिलिटीज 2 है और फेवरेबल 3 है, ये कैसे पॉसिबल है भाई? 1.5 नहीं भैया, 3 ना चलेगा, ये नहीं चलेगा भैया, ठीक है ना? तो इसको नहीं लिखना भाई, ऐसे नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती भाई, ठीक है? याद रखिएगा। सर 1 का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं यार, बिल्कुल दे सकते हैं। 1 का एग्जांपल क्या हो सकता है? देखिए वही सिक्के का एग्जाम्पल, सिक्के नहीं उसका एग्जाम्पल लेंगे, डाइस का एग्जाम्पल लेंगे। A dice is thrown once. बताओ भाई सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस जवाब आपको मालूम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी। प्रतिदर्श 1, 2, 3, 4, 6, ये 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 7। हाँ भाई, अ नंबर लेस देन 7, देखो प्रोबेबिलिटी की। अब तो बोलोगे सर डाइस फेंक रहे हो तो 7 से छोटा ही तो नंबर आएगा। डाइस पर क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आता नहीं है ना, 8 तो कभी आता ही नहीं है। इसने किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी कि 7 से छोटा नंबर आएगा, इसके चांसेस क्या है? बताओ भाई, गजब गजब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, मतलब ये बच्चों को ठगाने के लिए जादू हो जाएगा, कि छोटे से बच्चे होते हैं ना 6-7 साल के बच्चे, पकड़ ले कि हाँ बेटा देख, देखो मैं जादू दिखाता हूँ। अब जादू क्या? देखो बेटा, मैं जब मैं इस गोटी को, इस डाइस को फेंकूंगा ना तो 7 से छोटा नंबर आएगा। बच्चा बोलेगा हाँ भैया कैसे किया है ना, आप तो बड़े हैवी जादूगर हो, है ना? तो वाली बात हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो भाई देखो क्या है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है यहाँ पे? 6, ठीक है। और उसमें 7 से छोटा नंबर आना चाहिए, तो भाई सारे 7 से छोटे ही तो है, 6 के 6 हमारे लिए क्या है? फेवरेबल है। तो आंसर क्या आएगा भाई? 1 आएगा। तो भाई ये क्या हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो अधिकतम होती है कितनी होती है? 1। 1 से ज्यादा कभी नहीं आ सकती भाई, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी जो है अ नंबर मोर देन 6, हाँ भाई 6 से बड़ा नंबर आ सकता है? 6 से बड़ा नंबर आ सकता है? बोलो बच्चों। प्रेमिका ने कहा कि भाई जिस दिन तुम डाइस पर 6 से बड़ा नंबर ले आओगे उस दिन मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, ठीक है। अब डाइस भी कौन सी, जिसपे क्या क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो समझिएगा कि बेटा प्रेमिका ने एक तरह से क्या बोल दिया है, ठीक है ना। नंबर मोर देन 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। इन 6 में से ऐसे कितने नंबर है बेटा जो कि 6 से बड़ा है? है कोई नंबर इसमें से? आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं संभव नहीं है, असंभव है। तो बेटा प्रेमिका तुम्हारी होगी, उसकी संभावना क्या है बच्चों? आसार तो बेटा एकदम ना के बराबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, और इस तरह की इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ जी, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके बच्चों, श्योर इवेंट हिंदी माध्यम वाले बच्चे, निश्चित घटना जो होकर ही रहेगा, ठीक है जी। तुम बच्चे जो है अच्छे मार्क्स के साथ पास होकर रहोगे भाई, ठीक है ना, श्योर है, कंफर्म, ठीक है जी। और इम्पॉसिबल इवेंट, अपने मन में बेटा कोई एग्जाम्पल सोच लो, जो भी एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आए कॉमेंट में बता देना भाई, ठीक है। तो ये क्या भाई, जब भी कभी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जब भी कभी किसी इवेंट की, किसी घटना की जो संभावना, प्रायिकता 1 होती, तो वो क्या बोली जाती है? श्योर इवेंट। और जब भी कभी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, क्या बोलते हैं भैया? इम्पॉसिबल इवेंट। बात समझ आ रही बच्चों, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे प्रोबेबिलिटी 1 भी आ रही है, प्रोबेबिलिटी 0 भी आ रही है, मैं आपसे बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज। अब बताओ भाई मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन बेटा? एक तो 3 ही हो गया खुद, दूसरा कौन हो गया? 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे भाई? 6, ठीक है। उसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कितने भाई? मल्टीपल ऑफ 3 ये 2 ही है भाई,
तो 2k/6 संभावना कितनी, 1/3, और 1/3 को बेटा गणितीय रूप में आप लिखना चाहो 0.33333, ठीक है ना। तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी या तो एक होती है या जीरो होती है, या जीरो और एक के बीच में होती है, कभी भी जीरो से कम नहीं होती, कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती। तो ये होती है भाई हमारी प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग ये समझ चुके हैं भाई। अब देखिए दोस्तों, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं, बहुत से बच्चों को यहां तक आता था पहले से ही, जिन्हें नहीं आता था भैया उन्होंने जान लिया। अब हम चलते हैं कुछ अच्छी चीजों की तरफ। अब देखिए बेटा ऐसा है ना, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, सिक्के को एक बार उछाला गया, ठीक है। अब देखो पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सब क्वेश्चन आपको एक एक करके बता रहा हूं बेटा, जो संभावनाएं हैं, ठीक है ना, और किस तरह से उनको लिखना होगा वो तरीका भी बेटा आप लोगों को मैं यहां पे बताऊंगा, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, हेड टेल। देखिए एक कॉइन को टॉस किया गया एक बार, ठीक है, सिक्के को एक बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है। अब देखो आसान से क्वेश्चन आंसर आपको मैंने पहले बता दिया, मैंने बहुत बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले लिखिए संभावित परिणाम, पॉसिबल आउटकम्स। तो आप लिखेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा भाई, यही दो संभावित परिणाम है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद भी कर सकते हो, जैसे मैंने पॉसिबल आउटकम्स लिखा है ना, आप इसको चाहो तो सैंपल स्पेस नाम दे सकते हो, सैंपल स्पेस ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। अब देखिए हेड, देखो फेवरेबल हेड इसमें है कितने भाई, एक ही है भैया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए, एग्जाम में हमेशा सबसे पहले ना आप लोगों को फॉर्मूला मेंशन करना चाहिए। अब फॉर्मूला मेंशन करने के तरीके वाले, या तो लिख दो टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो, और अदरवाइज बेटा आप यहां पर लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ हेड्स, हिंदी माध्यम वाले बच्चे कुल हेड की संख्या, ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिख दो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, एक ही है भाई, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं भाई, दो। खल्लास, ये हो गया इसका पहला पार्ट। ऐसे फिर सेकंड पार्ट की बात करें भाई, सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है टेल, तो टोटल टेल है कितने भैया, एक ही है भाई, टेल तो एक ही है इसमें, यहां पे इसमें एक ही टेल है भाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जब आपसे पूछी जाएगी, यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टेल, और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये हर क्वेश्चन में ऐसे चलेगा भाई, और जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ टेल्स लिखा है, तो आप चाहो तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी लिख सकते हो, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब देखिए सिक्के को ना एक बार बहुत उछाल लिया यार, अब ना क्वेश्चन को बदलते हैं, एक सिक्के को दो बार उछाला गया है भाई, सिक्के को ना दो बार उछाला गया है, और अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है आपसे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, फिर पूछा जाता है एग्जैक्टली टू टेल्स, तो लिखा जाता है नो टेल्स। ये तीन चीज बेटा आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ली गई है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि जब आप सिक्के को दो बार उछाल रहे हो, सिक्के को पहली बार भी उछाला, सिक्के को दूसरी बार भी उछाला, ठीक है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, तो इसमें क्या होगा बताओ, पहले वाले पे क्या आएगा तो बोलोगे हेड, दूसरे वाले पे क्या आएगा तो बोलोगे हेड, क्या ऐसा जरूरी है, नहीं।
तुम बोलोगे पहले वाले पे आया हेड लेकिन दूसरे पे आया टेल, क्या ये जरूरी है? तुम बोलोगे नहीं सर, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, फिर पहले पे भी टेल और दूसरे पे भी टेल। क्या इसके अलावा, इन चार के अलावा और कोई संभावना बनती है भाई? आप बोलोगे इनके अलावा और कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले पार्ट की। क्या बोला? एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड, देखो बेटा इस वाले आउटकम को देखो, इसमें कितने हेड दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे दो हेड है। इसमें कितने हेड दिखाई दे रहे हैं भाई? तुम बोलोगे एक हेड है भैया, एक तो ये हो गया। अच्छा इस पूरे में कितने हेड दिखाई दे रहे हैं भाई? तुम बोलोगे एक ही हेड है। क्या इसमें कोई हेड दिखाई दे रहा? तुम बोलोगे नहीं। आपने ना इन चारों में से सिर्फ उनको चूज करना है जिसमें आपको एग्जैक्टली एक हेड दिखाई दे। तो एग्जैक्टली एक हेड जो है बेटा सिर्फ एक इसमें दिखाई दे रहा है, एक उसमें दिखाई दे रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए एग्जैक्टली वन हेड की, तो देखो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है ना। सबसे पहले लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या? टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो दो ही हैं और पॉसिबल कितने हैं भाई? तो बोलोगे चार, और आंसर क्या आ जाएगा भाई? वन बाय टू। बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद बच्चों फिर बी पार्ट में क्या पूछा गया है? बी पार्ट में क्या बोला गया? एग्जैक्टली टू टेल। एग्जैक्टली टू टेल का मतलब क्या? एग्जैक्टली टू टेल भैया, जो तुमने सिक्के को दो बार उठाला ना, दोनों बार टेल मिला, तो ये तो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा भैया, दोनों में टेल। ठीक है, तो टेल टेल हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए। एग्जैक्टली टू टेल्स, तो फेवरेबल तो ये एक ही है और टोटल पॉसिबल थे चार। तो आपका जो जवाब है मेरे दोस्तों वो मिल जाएगा वन बाय फोर, वन बाय फोर। फिर सी पार्ट में क्या बोलता है? नो टेल्स, नो टेल्स, नो टेल। टेल होना ही नहीं चाहिए, कोई टेल नहीं चाहिए भाई। तो देखो यहां तो टेल आ रहा है भैया, ये नहीं चाहिए। टेल हेड ये भी नहीं चाहिए, हेड टेल ये भी नहीं चाहिए भाई। हेड हेड क्या कोई टेल दिखाई दे रहा है इस वाले में? आप बोलोगे नहीं इसमें कोई टेल नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये नो टेल, यानी कि दोनों क्या आ गए बेटा इसमें? हेड हेड। बात समझ में आ रही बच्चों? हेड हेड। ओके, सो यहाँ पर बेटा नो टेल की प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर आ जाएगा वन बाय फोर। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कौन सा केस, जब सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? दो बार। अब बात करते हैं बेटा सिक्के को तीन बार उछाला जाता है, थ्राइस। सिक्के को उछाला गया कितनी बार? तीन बार। ठीक है बच्चों, आपने सिक्के को एक बार उछालने वाली बात कर ली, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दो बार भी चल हो गया, कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, तीन बार सिक्के को उछाला मेरे बच्चों। ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी देखो किसकी, देखो अब यहां पर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। प्रोबेबिलिटी देखो किस किस चीज की पूछ रहा है? एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली थ्री टेल्स, ठीक है, एट लीस्ट टू टेल्स, एट लीस्ट या फिर एट मोस्ट टू हेड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन बेटा यहां पर आप चीज समझेंगे बढ़िया से। देखिए सबसे पहले तो ये बताइए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? ठीक है, जैसे आपको मालूम है सिक्के को जब एक बार उछाला था तो दो ही बने थे, हेड और टेल। सिक्के को जब दो बार उछाला था तो हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, चार केस बन गए थे ना। अब तीन बार उछालेंगे तो कितने केस बनेंगे? यहां बना था ये दो, यहां बने चार, यहां कितने बनेंगे? तो बताओ, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सिक्स, कुछ के दिमाग में आ गया होगा एट। राइट आंसर है इसका एट। कॉइन के लिए जो रूल चलता है ना बेटा, कॉइन के लिए जो रूल है बेटा टोटल आउटकम्स का, वो है टू की पावर में एन। इस रूल को याद रखिएगा,
सिक्के के लिए बेटा ये नियम चला करता है टोटल आउटकम्स के लिए, 2 की पावर में n। अब 2 की पावर में n यानी कि n, n की सिक्के को उछाला कितनी बार गया है? देखो सिक्के को जब एक बार उछालते हो तो 2 की पावर में 1 जवाब क्या आएगा? 2। सिक्के को जब 2 बार उछालते हो बेटा 2 की पावर में 2। ओके, सिक्के को जब 3 बार उछालते हो तो रूल क्या है? 2 की पावर में 3। ओके, तो आपके जो बेटा अब हैं टोटल आउटकम्स बेटा आपके बनेंगे 8। उन 8 को लिखने में देखो, अगर आप लिख सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और उनको लिखो। जो टोटल जब आपने सिक्के को 3 बार टॉस किया है तो उनसे जो टोटल आउटकम्स बनने वाले उनको लिखिए बेटा, वीडियो को पॉज करो लिखो। अब जिसे नहीं मालूम उन्हें बेटा मैं लिखा बता देता हूँ तरीका क्या है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, देखिए तरीका बड़ा सिंपल सा है। टोटल आउटकम्स कितने बनने? 8। टोटल आउटकम्स कितने? 8। 8 का हाफ कितना होता है? 8 का आधा, 8 का आधा 4। 4 बार यहां पे हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, हो गया ठीक है। 4 का आधा कितना होता है? हाफ ऑफ 4 2। 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। फिर 2 का हाफ कितना होता है? 1। 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। बताओ भाई कोई एक भी सेम लग रहा है? सारे अलग होंगे ठीक है। तो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना है। ऐसे देखो सिक्के को अगर 4 बार उछाला जाए, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो 2 की पावर में 4 टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे? 16। 16 आउटकम्स बनेंगे भाई। तो सोचो लिखने का तरीका क्या रहेगा। 8 बार लिखो हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार लिखो टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 का हाफ 4। 4 बार हेड, 1 2 3 4। 4 बार टेल, 1 2 3 4। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 का आधा 2। हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। फिर 2 का आधा 1। 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड और टेल। आप देख सकते हैं भाई 16 केसेस आपके यहाँ पे बन चुके होंगे, 16 आउटकम्स यहाँ पे आप लोगों के बन चुके होंगे। कोई एक भी रिपीट नहीं कर रहा होगा बच्चों, एक भी इसमें रिपीट नहीं कर रहा होगा। तो देखिए बेटा ये ऐसा है ना, ये ट्रिक बेटा मैंने आप लोगों को देखी बताई है। तो जिसको ये पहले से मालूम थी बहुत अच्छी बात है बेटा, जिसे नहीं मालूम थी उसने सीख लिया ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। ये सुनकर बेटा मैंने जो सैंपल स्पेस बना दिया बेटा वो आपके सामने है ठीक है। ऐसे आपके कुल मिला के 8 आउटकम्स बन चुके हैं, वो सब बेटा मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं राइट। अब पूछा क्या गया है पहले पार्ट में, क्या पूछा गया भाई पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड पूछा गया बेटा आपसे। अब एग्जैक्टली 1 हेड की अगर मैं बात करूं तो ये तो नहीं आएगा, 1 हेड चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये है एच टी टी, एच टी टी, आर टी एच टी और टी टी एच, टी टी और एच, ये 3 ही केस है बेटा, इन 8 में से 3 ही है। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड कितनी होगी बेटा, तो आपका जवाब सिंपली आ जाएगा 3 के बट्टे में 8। 3 के बट्टे में 8, ये पहला पार्ट था क्या, एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जाम में बेटा 3/8 लिखने से पहले फॉर्मूला जरूर मेंशन करना, टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। बी में क्या बोलता है, एग्जैक्टली 2 टेल,
एग्जैक्टली टू टेल हो गया, इसको थ्री कर देते, एग्जैक्टली थ्री टेल, ठीक है। अब एग्जैक्टली थ्री टेल में क्या होगा भैया, एग्जैक्टली थ्री टेल में क्या होगा, एग्जैक्टली थ्री टेल। तो जब एग्जैक्टली थ्री टेल की बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं बेटा सिर्फ एक ही केस है, टी टी टी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, एक के बट्टे में आठ, खत्म, खलास, ठीक है। ऐसी बोलता एग्जैक्टली टू टेल्स, तो एग्जैक्टली टू टेल्स में एक तो आता एच टी 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 एच टी और टी टी एच, ठीक है। एग्जैक्टली टू हेड भी बोल सकता था, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, तो ऐसा कुछ भी बोल सकता है। और बोलते एग्जैक्टली थ्री हेड, थ्री हेड्स, तो वन बाई एट। तो आप यहां से देख सकते हैं। अब अलग क्या चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, एट लीस्ट टू टेल्स, एट लीस्ट टू टेल्स। अब ये जो शब्द है ना बेटा एट लीस्ट टू टेल्स, इसका मतलब क्या है भाई, एग्जैक्टली टू टेल्स। तो देखिए जब हम बोलते हैं एट लीस्ट टू टेल्स, तो देखो एट लीस्ट शब्द पे ध्यान दो भाई, एट लीस्ट ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है एट लीस्ट, इसका मतलब क्या है, कम से कम, कम से कम, ठीक है, कि इतना तो हो, उससे ज्यादा भी हो। जैसे आप लोगों से पूछता हूं बेटा कितने मार्क्स लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए आप लोग के मन में आएगा, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे कि सर जो सीधा बोल रहे होंगे कि सर हमें तो 100 ही चाहिए बोर्ड में, हमें 100 में से 100 ही चाहिए। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे सर एटलीस्ट 90। अब एटलीस्ट 90 ये लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर बोर्ड में इनके 90 मार्क्स आ जाए तो क्या ये बच्चे खुश होंगे। आप बोलोगे हाँ खुश तो होंगे, क्योंकि चाह कितने रहे थे, एटलीस्ट 90 चाह रहे थे। अच्छा बोर्ड में अगर इन स्टूडेंट के 91 मार्क्स आ जाए तो क्या ये खुश होंगे, अब रोने तो नहीं बैठे, नहीं नहीं भाई हमको तो 90 चाहिए थे, तुमने 91 क्यों दे दिए। ऐसा नहीं होगा भाई, जब हम बोलते हैं एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब कि इतना तो हो, उससे ज्यादा भी हो। आप लोगों से पूछता हूँ कि बेटा जब जॉब वगैरह करने लग जाओगे, अपना काम कर लोगे, तो मंथली कितना रुपए अपने बैंक में चाहते हो बेटा, कि हाँ कितना हमारे बैंक में क्रेडिट हो, कितनी सैलरी लेना चाहते हो, या फिर ठीक है ना मान लो कल को माइक्रोसॉफ्ट गूगल फेसबुक वगैरह इन सब के लिए अगर आप काम कर रहे हो, या फिर अपनी कोई कंपनी बना के बेटा रख रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पर कितनी सैलरी आप लेना चाह रहे हो, या फिर कितना प्रॉफिट आप मंथली कमाना चाह रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे बोल रहे हो कि हाँ कम से कम भैया जो कुछ जो जिनके जो थोड़ा कम का सोच रहे होंगे हम, कि सर कम से कम 80,000 रुपये महीना तो हमको चाहिए। अब इसने बच्चे ने क्या बोला कि सर कम से कम 80,000 रुपये महीना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 80,000 पर ही बच्चा खुश है। लेकिन अगर इसको 85,000 मिल जाए तो क्या मना करेगा कि नहीं सर मुझे 85,000 मत दो, बोलेगा सर दो, ज़्यादा देना चाहते दे सकते हो। कम से कम 80,000 का मतलब इतना तो हो, उससे ज्यादा मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है। तो उसी प्रकार से मेरे बच्चों ये जो एटलीस्ट शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है कि कम से कम दो टेल तो चाहिए, दो टेल से ज्यादा मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि दो टेल तो कम से कम हो, यानी टू टेल्स भी चलेंगे प्लस थ्री टेल्स भी चलेंगे, क्या फोर टेल्स चलेंगे, दे सकते तो दे देते बेटा, लेकिन फोर टेल तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि सिक्के को तुमने कितनी बार उछाल रखा है, तुमने सिक्के को उछाला तीन बार, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा तुम्हें तीन ही टेल मिल सकते हैं। तो टू टेल्स में देखो क्या क्या आएगा, एच टी 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 एच टी 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 एच, ये तीन ही आएंगे। और थ्री टेल्स में क्या आएगा, टी टी टी, तो कितने केस बन गए बेटा, चार केस बन गए। और अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू टेल्स, एटलीस्ट टू टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपका जवाब हो जाएगा चार बट्टे में आठ, फोर बाई एट, फोर बाई एट बटे इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया है। बात समझ में आ रही बच्चों, ठीक है। अब जैसे बेटा मैंने ये बोला ऐसे ही देखो, इसमें मैंने फिर आगे एक काम करते हैं, इसमें एक पार्ट और जोड़ देते हैं, इसको मैं डी कर देता हूँ, डी तो है ही, एट लीस्ट वन टेल, वन हेड कर देते हैं, एटलीस्ट वन हेड, क्वेश्चन चेंज कर दिया भाई हमने, ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज कर दिया है, फिर दोबारा जो मैंने मिटवाया उसको मैं लिखूंगा बड़ा दोबारा से, निश्चिंत रहिए। अब देखिए अब क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा आप लोगों से, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालो, एटलीस्ट वन हेड की, एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट डी पार्ट है बेटा, डी पार्ट, एटलीस्ट वन हेड,
तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है भाई? एटलीस्ट वन हेड, तो इसका मतलब भाई कि कम से कम एक हेड तो हमें चाहिए, एक हेड भी चाहिए, दो मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और तीनों पे हेड दे दो तो भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, अब देखिए वन हेड में क्या आएगा, HTT RT HT TTH, टू हेड में क्या आएगा HHT HTH PHH, थ्री हेड में क्या आएगा HH और H, सात के हिसाब के बन रहे हैं। अब यहां पर आ जाए एटलीस्ट वन हेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 के अपॉन में आपका आंसर आ जाएगा बेटा 8। तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, फिर बेटा एक टर्म यूज किया जा रहा था जो मैंने अभी मिटवाया, एटमोस्ट वन हेड, और फिर एक ले लेते हैं एफ, एटमोस्ट टू टेल्स। अब ये दो चीजें आ गई बेटा, तो देखिए एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, ठीक है। तो ये एटमोस्ट शब्द तो जो होता है ना बेटा वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो कितना चाहिए हेड, एक बार हेड चाहिए भाई, वरना हेड ना भी मिले तो भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हेड एक से ज्यादा ना हो भाई, हेड जीरो हेड भी चलेंगे, एक हेड भी चलेगा, पर एक से ज्यादा हेड हमें नहीं चाहिए भाई। ठीक है, जैसे जैसे बेटा मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास में कुल मिला के जो मेरे ये जो वीडियो है, वीडियो देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 1000 जो स्टूडेंट्स हैं मेरे इस वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखा करते हैं क्लास 10th के। ठीक है, अब मैंने इन 1000 स्टूडेंट का बेटा मैंने एक टेस्ट करवाया। ठीक है, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मैंने इन स्टूडेंट का एक टेस्ट करवा दिया भाई। ठीक है ना, अब आपको मालूम ही है कि अनअकैडमी एसेंट टेस्ट बेटा हम लोग करवाते रहते हैं। ठीक है ना, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, और उस पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो बच्चा जिसकी तैयारी अच्छी होती है भाई उसकी रैंक कम आती है, जिसकी तैयारी खराब होती है उसकी रैंक ज़्यादा आती है, और आप लोग हमेशा कोशिश क्या करते हो कि रैंक आपकी कम से कम आ जाए। ठीक है, जिस बच्चे की रैंक 1 आई होती है वो भैया समझ लो कि उसने सारे ही क्वेश्चन अच्छे कर रखे होते हैं, यानी सबसे बेहतर वो बच्चा होता है। जिसकी रैंक 2 आई होती है तो वो दूसरे नंबर पर होता है ना। आपके स्कूल में भी यही होता होगा कि भैया स्कूल में पेपर होता है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक को कुछ इनाम भी दिया जाता है। कोशिश करना कि रैंक आपकी कम आए, क्योंकि रैंक ज़्यादा नहीं आनी चाहिए ना। रैंक ज़्यादा आने का मतलब आप जानते हैं कि आप किस लेवल पर हैं। ठीक है, तो वही बेटा 1000 स्टूडेंट का टेस्ट अगर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, और हमारा कोई एक स्टूडेंट है भाई अब्दुल। ठीक है, और अब्दुल ने ना कसम खा रखी कि भाई इस बार मैं मेहनत करूंगा, बहुत बढ़िया से मेहनत करूंगा, और मेहनत जो करूंगा ना भैया जो 1000 स्टूडेंट है उसमें ना मैं टॉप 10 में रहूंगा। मेरी अगर रैंक अगर ज्यादा से ज्यादा आएगी ना, मैक्सिमम एटमोस्ट 10 आएगी, मेरी रैंक ज्यादा से ज्यादा अगर आएगी तो 10 आएगी, 10 के ऊपर मैं आऊंगा नहीं। ऐसे इस बच्चे ने ना भाई वादा कर दिया कि 10 के ऊपर मेरी रैंक नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा मेरी रैंक कितनी आएगी, 10, 10 से कम जरूर आ सकती है। यानी कि स्टूडेंट की रैंक 10 हो सकती है, 9 हो सकती है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये सब पॉसिबिलिटीज इसकी हैं। क्या इसने 11 रैंक बोली, इसने बोला नहीं 11 नहीं लाऊंगा भाई, एटमोस्ट कितना 10। तो सेम चीज बेटा यहां पर क्या, एटमोस्ट कितना 1 हेड। अब एटमोस्ट 1 हेड की जब हम बात करते हैं तो बेटा इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा नहीं होना, एक से कम जरूर हो सकते हैं, और एक से कम का मतलब क्या बेटा, एक से कम 0 हेड हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकते हैं, 1 हेड हो सकते हैं। इस 1 हेड के ऊपर नहीं होंगे, जैसे अब्दुल ने बोला क्या कि ज्यादा से ज्यादा मेरी रैंक क्या आएगी 10, 10 के ऊपर नहीं जाऊंगा, 10 के पीछे जरूर आ जाऊंगा, 10 भी आ सकता हूं लेकिन 10 के ऊपर नहीं आऊंगा भाई। ठीक है, अब देखिए 0 हेड का मतलब क्या है कि हेड मिला ही नहीं, हेड मिला ही नहीं। बताओ यहां पर तो 3 हेड है, यहां पे 2 हेड है, यहां पे 2 हेड है, यहां पे 1 हेड है, यहां पे 2 हेड है, यहां पे 1 हेड है, यहां पे 1 हेड है, यहां पर हेड नहीं है। तो 0 हेड का मतलब TTT, 1 हेड का मतलब क्या बेटा कि हेड एक ही बार मिला, तो HTT TH, चार केस बन रहे हैं भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट
वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। तो चार किस हो गए, चार के बट्टे में आठ आ जाएगा और आपका जवाब 1/2 आ जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें ऊपर एक बात और बोली, मैंने आपसे क्या बोला भाई, एटमोस्ट टू टेल्स एफ पार्ट पे, एटमोस्ट टू टेल्स। एटमोस्ट टू टेल्स का क्या मतलब है कि टेल चाहिए, अगर टेल लाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने टेल्स, दो टेल, तीन टेल पर कभी नहीं जाऊंगा, दो से नीचे जरूर आ जाऊंगा, यानी जीरो टेल भी चलेगा, एक टेल भी चलेगा, दो टेल भी चलेगा, पर तीन टेल नहीं चलेगा। क्या बोल दिया, एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर नहीं जाना। ठीक है, तो देखिए जीरो टेल का मतलब एच एच एच, ए टेल का मतलब पी एच एच, एच पी एच और हमारा एच एच टी, दो टेल का मतलब टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाहिए, एट मोस्ट टू टेल्स की। तो सात किस बेटा आपके यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और सेवन कितने में से, एट में से। तो बच्चों कॉइन पे ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अब चलते हैं डाइस की तरफ, फिर उसके बाद चलेंगे कार्ड्स की तरफ। ओके, और बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी एप्लीकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही फायदेमंद, एक बहुत ही जरूरी फीचर लेके आई है बच्चों, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप अपने किसी सब्जेक्ट के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, जिनमें हम बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। हम लोग नेट पर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो स्कैन करके क्वेश्चन के आंसर तो बता देती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि उन वेबसाइट्स पर भी मौजूद नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे बच्चों अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक नया फीचर आया है, जिसमें कि क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट्स को बेटा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं बच्चों। उसका भी देखो जो तरीका है वो मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि भैया ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फीचर आया है, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही डाउट पूछो, कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड डाउट्स इस एप्लीकेशन पे पूछ सकता है, किसी भी टाइम पर पूछ सकता है, और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा भैया एक हाई क्वालिटी वीडियो में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसका तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बस आप लोगों ने जब आप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है जब आप उसको ओपन करेंगे तो उस पर बेटा आपको आस्क अ डाउट वाला फीचर मिलेगा। ठीक है, वहां पर क्लिक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर, चूज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्रॉप करना है, सिर्फ उतना ही पार्ट क्रॉप करना है जितने में आपको क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये बताना है कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मालूम ही है यार। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछो एक फोटो में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक फोटो में दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक साथ भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा भाई, एक बार में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछना है, और क्लियर इमेज होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो, और कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें चार ऑप्शंस अवेलेबल है तो आपने सभी ऑप्शंस के साथ उस क्वेश्चन को पूरा पोस्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए उसके कुछ ही देर के बाद या तो तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम में वो क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो एडुकेटर्स होंगे, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट के, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ देर के बाद सेंड करेंगे बच्चों। ठीक है, या तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा या फिर कुछ देरी में मिल जाएगा, लेकिन ये है कि सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये अनअकैडमी एप्लीकेशन पे नया फीचर है और इसका फायदा आप सभी स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, और उसके जो लिंक है दोस्तों वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं, ठीक है, क्लासेस नीचे आ रखी होंगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद बच्चों
आपकी जो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी और आपका सीधा ये डाउट सॉल्विंग वाला ये जो फीचर बेटा आप सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करेंगे दोस्तों तो आपको इस फीचर को अवेल करने के लिए ये कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये रेफरल कोड हमारा होगा AC लाइव, इसके जरिए बेटा आप लोग इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं दिक्कतें आ रही है भैया तो हमसे पूछते रहिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछते रहिए, ठीक है। और जरूरी बात बेटा और कि ये जो फैब मंथ है इस मंथ में बच्चों आप लोग अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 महीने के लिए भी आप अनअकैडमी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। अब देखिए बच्चों अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि कॉइन्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब बात करते हैं डाइस पर क्या क्या क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए डाइस की जब बात करेगा बेटा तो ये समझ लीजिए डाइस को एक बार थ्रो करेगा और डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार थ्रो किया जाएगा, ठीक है। दो बार भी हो सकता है एग्जाम में, दो बार भी पूछा जा सकता है, बट पहले बट हम डिस्कस करेंगे कि डाइस को अगर एक ही बार थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है ऑफ फॉलोइंग। देखिए आपसे एक चीज पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कह सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कह सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कह सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम कह सकता है, ऑड प्राइम कह सकता है, मल्टीपल ऑफ थ्री या फिर मल्टीपल ऑफ थ्री कह लेते हैं, ओके, ठीक है, या फिर आपसे कह सकता है डिविजिबल बाय, या फिर और कह सकते हैं लेस देन फाइव, ठीक है, या फिर EFG, एटलीस्ट थ्री, और कह सकता है मल्टीपल ऑफ टू और थ्री, या तो टू का मल्टीपल या थ्री का मल्टीपल, तो फिर ये सब पॉसिबिलिटीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एटलीस्ट थ्री का मतलब यहाँ पे क्या है, तीन या तीन से बड़ा नंबर, राइट। अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होगा बेटा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, सबसे पहले तो पॉसिबल आउटकम्स भी लिखे जाते हैं ना, तो उसमें क्या लिखोगे भाई, 1 2 3 4 5 6, जब डाइस को थ्रो कर रहे हो एक बार तो भैया छह, ये छह संभावनाएं बनती हैं, इसके अलावा तो और कुछ बनता नहीं है, ठीक है। अब जो ए पार्ट है उसमें क्या बोलता है, इवन नंबर होना चाहिए, तो ये सबको मालूम है कि इवन नंबर क्या है भाई, 2 है 4 है और 6 है, ये तीन ही बेटा हमारे इवन नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी भाई, तो देखो इसमें आप लिख सकते हैं कि टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, फेवरेबल कितने हैं 3, आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसे ही बच्चों और क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर याद रखिए, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से हो रही है, 2 से, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है भाई। देखो प्राइम नंबर क्या है भाई, जो खुद के टेबल में आए, ठीक है, और एक किसी और के टेबल में आए, मतलब खुद के अलावा भी किसी और के टेबल में होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो 1 जो होता है वो तो 1 × 1 है, तो खुद के ही टेबल में आ रहा है बस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 क्या हो सकता है, 1 × 2, ये तो 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्यों, 1 × 3, बस ये दो फैक्टर बन सकते हैं भाई इसके, ठीक है। 4 नहीं है भाई, 4 क्यों, क्योंकि इसको 1 × 4 लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो, 4 × 1 लिख सकते हो, तो देखो इसके फैक्टर में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और ये 4 भी आ सकता है, तो 1 और 4 के अलावा भी ये 2 के, 2 इसके फैक्टर में है भाई, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा 2 के अलावा, 3 के अलावा 5 एक प्राइम है भाई, 1 × 5, उसके अलावा कुछ नहीं, 6 प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 6, 6 को 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, राइट। तो देखिए बच्चे प्राइम नंबर ही 3 प्राइम बेटा, ठीक है।
फिर हालांकि 6 के बाद 7 भी प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, कई सारे प्राइम हो सकते हैं, लेकिन इन 6 में से तो ये 3 ही प्राइम है ना बस। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए कि प्राइम नंबर की क्या है, तो आपका जवाब होगा 3/6, 3/6। फिर सी में क्या बोलेगा, इवन प्राइम, इवन प्राइम सम अभाज्य, इवन भी हो प्राइम भी हो, तो इवन तो 2 ही है, ठीक है, और 2 भी, देखो 3 प्राइम थे उसमें 3 और 5 तो ऑड हो गए, तो इवन कौन सा 2, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम, आंसर आपका आ जाएगा 1/6, ये 1/6 हो जाएगा भाई। फिर ऐसे देखिए डी पार्ट, डी में क्या बोला गया, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें क्या होगा, ये तो 3 है, दूसरा 6, 3 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 3 के टेबल में 3 आता है 6 आता है, ठीक है, इन 6 में से एक 3 है दूसरा 6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ 3, तो आंसर विल बी 2/6, आपका ये बन जाएगा 1/3, 2/6, 1/3, ठीक है। अच्छा अच्छा ये जो है इसको 1/2 लिख सकते हो डिवाइड करके, ओके, देन क्या है, डिविजिबल बाय 2, लो भाई डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2, तो देखो इन सब में से 2 से कौन कौन डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, 1 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है डिविजिबल बाय 2 बन जाएगा 3/6, बन जाएगा 1/2, राइट। फिर क्या बोला, लेस देन 5, लो भाई ई एफ लेस देन 5, लेस देन 5 में क्या क्या है, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 बन जाएगा 4/6, 2/3, ओके। अच्छा एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3, अब एटलीस्ट 3 समझ जाओ यार, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा है ना, ई जी एटलीस्ट 3, कम से कम 3 तो होना चाहिए, 3 से बड़ा भी चलेगा भाई, ठीक है ना, 3, 4, 5 और 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 4/6। फिर क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, इसका मतलब क्या है भाई, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो, किसी एक का चलेगा, किसी एक का भी हो तो चल जाएगा, 2 और शब्द है ना, या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो, देखो 2 के मल्टीपल क्या क्या है, 2, 4, 6, अच्छा 3 का मल्टीपल क्या क्या है, एक तो 3, अब 4, 4 तो नहीं है, 3 और एक 6 है, 6 दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार लिख चुका हूँ, समझ मेरी बात बच्चों, जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो आपको जो पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो, तो 2 के मल्टीपल होते हैं 2, 4, 6, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 और 6, तो 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 भी लिख दिया, 3 दोबारा, 3 भी लिख दिया, 6 दोबारा नहीं लिखूंगा भाई क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिख चुका हूँ, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मल्टीपल ऑफ 2 और 3, आंसर हो जाएगा 4/6, यानी कि 2/3, ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन में क्या देता है, ये एच था, आई ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, ठीक है जी। अब देखो भाई ई एच आई मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 ऐसा नंबर चाहिए जो 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो। देखो एंड में देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन, जब एंड आए ना बेटा तो कॉमन, तो देखो 2 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं 2, 4 और 6, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं 3 और 6, 2, 4, 6 और 3, 6, कॉमन क्या है भाई, तो आप जवाब देंगे 6, 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 एंड 3 दोनों का मल्टीपल है, बात समझ में आ रही है। जब और शब्द यूज होता है तो और शब्द की सिचुएशन में 2 और 3 दोनों को जोड़ दिया जाता है,
दो के मल्टीपल में क्या जोड़ देंगे, तीन के मल्टीप्लाई में, दो के मल्टीप्लाई में दो चार छः, तीन के मल्टीप्लाई में तीन और छः, सब लिए जा रहे थे। पर जब एंड की बात करते तो एंड में ओनली कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं बेटा, तो टू के मल्टीपल और थ्री के मल्टीपल यानी कि सिक्स ही एकमात्र ऐसा नंबर है। तो मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, 1/6 आपका आंसर जो होगा, एक ही एलिमेंट है भाई ऐसा, ये बन जाएगा 1/6। तो ये एक केस है बेटा कि जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं कितनी बार, एक बार। अब चलते हैं कि जब डाइस को थ्रो किया जाता है दो बार। तो देखो भाई, अब आप लोगों ने ये देख लिया कि अगर डाइस को एक बार थ्रो किया जा रहा है तो कितने आउटकम्स बनेंगे। अब अगर मान लो डाइस को दो बार थ्रो किया जाता है, थ्रोन ट्वाइस, दो बार हमने डाइस को थ्रो किया, ठीक है। तो अब जो भाई, पहले तो पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स हम सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, डाइस को ना दो बार थ्रो किया आप लोगों ने, पहली बार भी डाइस को थ्रो किया और दूसरी बार भी आप लोगों ने डाइस को थ्रो किया। तो पहली बारी भी डाइस के टॉप में यहाँ पर कोई नंबर लिखा रहा होगा, दूसरी बारी भी डाइस के टॉप में बेटा यहाँ पर भी एक नंबर आया होगा, ठीक है। तो मान लो डाइस के यहाँ टॉप पर मान लो इधर आता है वन, तो बताओ वहाँ पर क्या आ सकता है, उस पर भी तो वन आ सकता है ना, पहले पे भी वन आ जाए, दूसरे पे भी वन आ जाए। पर अगर मान लो यहाँ वन ना आए तो टू भी तो आ सकता है, ऐसी 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, सही बात है। तो देखो बेटा, छह केस तो ये हो गए। अब छह केस अलग से मान लो, जो यहाँ पे वन नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, पहले पे आया टू और दूसरे पे क्या आया वन, इधर आया टू दूसरे पे वन, फिर टू टू, फिर टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, समझ में आ रही बात। तो ऐसी अब गिनती चलेगी भाई, यहाँ पे तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, फिर बात है। फिर अब चार से शुरू हो जाएगा, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, फिर फाइव, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः और लास्ट छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः, ठीक है। तो ये छः टोटल आउटकम्स, ये जो टोटल 36 आउटकम्स है बेटा, ये हमारे सामने है, ठीक है। अब देखो, जैसे कॉइन के लिए आपके लोगों ने क्या रूल याद रखा था, कॉइन के लिए रूल था 2 की पावर n, याद रखिए। डाइस के लिए रूल है 6 की पावर n, डाइस के लिए ये रूल चलता है भाई, ठीक है। जैसे डाइस को अगर एक बार थ्रो करोगे तो 6 की पावर 1, 6 ही आउटकम्स बनेंगे। डाइस को दो बार थ्रो किया तो 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स बन जाएंगे। ऐसे डाइस को तीन बार थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 3, तो 216, 216 आउटकम्स बन जाएंगे, ठीक है। हालांकि वो कभी पूछेगा नहीं हमसे, जब क्लास 11th में आओगे, 12th में आओगे, तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे 11th में देख लेंगे और जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड मैथ्स वाले होंगे वो क्लास 12th में देखेंगे। तो देखिए, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये देखो, ये तो आपने पॉसिबल आउटकम्स लिख लिया, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ए पार्ट में आपसे बोल देता है बेटा कि गेटिंग अ डबलेट, बी पार्ट में क्या लेता है, बी पार्ट में कहता है सम इज 10, सी पार्ट में कहता है सम इज एटलीस्ट 10, डी में क्या देता है कि सम इज लेस देन 5। ये चार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए गए, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं डबल वाला केस में, ठीक है। और भी कई सारे बन सकते हैं, ठीक है, बट जो ज्यादातर जो देखे जाते हैं वो यही है। देखो, ये सब आपके सामने है, पूरे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सब आपके सामने, तो यहीं से देखकर भी आप लोगों ने बताना है। ये चार अगर आप सीख गए तो बाकी सब आंसर दे दोगे आप, ठीक है। तो देखिए, पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, क्या बोलते हैं, गेटिंग अ डबलेट, डबलेट, डबलेट। देखिए, डबलेट क्या होता है, डबलेट का मतलब होता है
कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए, सेम नंबर यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट जो होगी बच्चों वो क्या होगी, 6 अपॉन में 36, आंसर विल बी 1/6। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जरूर लिख लेना, टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। ठीक है, थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा बढ़िया रखना अपना, ठीक है ना। बाकी मेरा काम अभी यहाँ पे मेन फंडा समझाना कि भाई है क्या चीज। ओके ठीक है, फिर क्या करा है, समेशन इज 10। जो दो डाइस पे जो मुझे नंबर मिला है ना उन्हें प्लस करके 10 आना चाहिए। जैसे 6 और 4 को जोड़ दो तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है ना, समेशन 10 होना चाहिए। तो समेशन 10 कब कब होगा, एक तो 6 4 पे होगा और एक 5 5 पे होगा, दूसरा 4 6 पे होगा, 5 5 और 4 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 10। तो 3 केस हैं, 36 में से आंसर हो जाएगा 1/12, इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, फिर सी पार्ट में क्या कहते हैं, सम इज एटलीस्ट 10, सम इज एटलीस्ट 10। अब एटलीस्ट 10 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 का मतलब सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कम से कम 10 तो चाहिए। तो देखो भाई, 10 6 4 4 6 6 4 5 5 6 4 5 5 4 6, ठीक है, ये 3 तो हो गए। फिर 11 भी चलेगा, 6 5 6 5 और 5 6, और 12 12 भी चलेगा भाई, 6 6 भी चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 ही है भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10, तो 6 है 36 में से, तो आंसर आएगा 1/6। बात समझ में आ रही बच्चों? फिर लास्ट डी में कहता है सम इज लेस देन 5, लेस देन 5 ऐसे मोर देन, जैसे हमने लेस देन अभी एटलीस्ट 10 किया था, अब यहां पे क्या बोल दिया, लेस देन 5, लेस देन 5 सम, वो भी समेशन इज लेस देन 5। तो समेशन लेस देन 5 का मतलब क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 1 4 नहीं चलेगा भाई, ये तो 5 की इक्वल आ गया ना, उसने लेस देन 5 बोला है, तो 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3। अच्छा 2 1 2 2 2 3 नहीं लूंगा, 2 1 2 2 2 1 2 2, फिर 3 1 चलेगा ओनली, 3 1 3 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सम लेस देन 5, तो 6 केस हैं 36 में से, और आंसर आ जाएगा 1/6। तो बच्चों ये आपका डबल वाला केस हो गया यहाँ पर, कि जब हम डाइस को दो बार थ्रो करते हैं, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, राइट। अब देखिए और भी देखो क्वेश्चन जो है आपके पास, देखो एनसीईआरटी बुक जो है बेटा उसको एक बार देखेगा, उसके जो भी क्वेश्चन थे कॉइन और डाइस से रिलेटेड वो मैंने कवर यहाँ पे कर दिए हैं भाई, ठीक है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन सारे आसान आसान क्वेश्चन है, उसमें आपको दिक्कत कहीं ऐसे आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो एक नंबर का ना एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आप लोगों को अभी बताना भूल गया हूँ, वो आपको वो भी कवर करवा देता हूँ यार, फिर मैं चलूंगा कार्ड्स की तरफ। कार्ड वाले क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आती है, वो बेटा फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, फिर कार्ड वाले जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखना बच्चों ऐसा है ना, कार्ड की बात करते हैं, कार्ड की बात करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसी भी इवेंट के होने की प्लस ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बेटा, तो याद रखिए वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ऐसे 1 मार्क्स के ना कई सारे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, जैसे ई दे दिया और नॉट ई पूछ लिया, या फिर नॉट ई दे दिया और आपसे ई पूछ लिया। जैसे मुझसे कह देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 0.25, फाइंड पी नॉट ए, बताओ नॉट ए किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछ लिया गया भाई, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये ध्यान रखो ना, पी ए, ए का होना और ए का ना होना, जनरली ना होने के ऊपर ए बार के जरिए डिनोट किया जाता है, और ए बार ना करके आप ए डैश भी लगा सकते हो,
ठीक है। और सिंपल आप यहाँ पे नॉट भी लिख सकते हो, मैं फिलहाल इसको ए बार के जरिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन दोनों का समेशन वन के इक्वल है। अब ए का होना कितना, 0.25। तो ए का ना होना बेटा, तो पी नॉट ए, तो वन में से माइनस कर लो 0.25 को, 1 माइनस 0.25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.75। ठीक है, कई बार क्या बोलता है कि किसी एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.1 है, तो एक्सीडेंट ना होने के चांसेस क्या होंगे, तो 1 में से 0.1 को माइनस कर लोगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना भाई लोग, क्या ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक है, अब चल रहे हैं कार्ड वाले क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों कार्ड वाले क्वेश्चन को हम डिजिटल स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर समझने में ज़्यादा बेहतर हम लोगों के लिए रहेगा बेटा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स वाले क्वेश्चंस की तरफ चलने वाले हैं। कार्ड्स वाले क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होंगे, कई बार आपसे पूछा जाता है कि हम अगर 52 कार्ड में से एक कार्ड अगर ड्रॉ करते हैं तो बताइए उसके एक किंग होने के चांसेस कितने हैं, क्वीन होने के चांसेस कितने हैं, ब्लैक कार्ड होने के चांसेस कितने हैं, फेस कार्ड होने के चांसेस कितने हैं। तो हो सकता है आप में से यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने अपने परिवार में या फिर दोस्तों के साथ इन कार्ड्स के साथ खेला हो, भैया कोई ना कोई गेम आप लोगों ने शायद इसमें ज़रूर खेली हो, ठीक है ना, एक रमनी वगैरह काफ़ी ऐसी गेम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आप लोगों ने खेल रखे होंगे यार। तो बेटा इन कार्ड्स के बारे में कई सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पहले से मालूम है, लेकिन कई स्टूडेंट हमारे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, तो उन्हें बेटा मैं बताना चाहूँगा कि देखो ये जो कार्ड्स होते हैं ना, टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, ये टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। अब अगर इन कार्ड्स को अगर डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, कलर्स के बेसिस में बेटा जब भी हम इन कार्ड्स को डिवाइड करते हैं तो बेटा दो रंग के पत्ते होते हैं, बेटा दो रंग के, कुछ होते हैं रेड कुछ होते हैं ब्लैक। अब रेड भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, रेड भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ट, फिर एक होता है डायमंड, फिर ब्लैक भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, स्पेड और होता है क्लब। अब बात की जाए कि भैया स्पेड कैसा दिखता है, क्लब कैसा दिखता है, हार्ट कैसा दिखता है, डायमंड कैसा दिखता है, तो बेटा देखो यहाँ पे चार प्रकार के पत्ते आपके सामने हैं, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो रंग है बेटा ये क्या आपके लिए, ये आपके लिए हार्ट हो गया, राइट, ये आपके लिए डायमंड है, यहाँ पर ये डायमंड है, ठीक है, ये बेटा हमारे लिए क्लब क्लब, और ये हमारे लिए क्या बेटा स्पेड। बात समझ में आ रही बच्चों, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसे बोलते हैं पान, इसे बोलते हैं ईट, इसे बोलते हैं चिड़ी, इसे बोलते हैं हुकुम। तो ये चार तरह के पत्ते बेटा हमारे सामने होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पत्तों के बेटा नाम एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, ये हमारे लिए हुकुम का पत्ता है, ठीक है, इसको हम बोला करते हैं स्पेड क्लब, ठीक है, ये हमारे लिए हो गया हार्ट, और ये हमारे पास है बेटा डायमंड, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको क्या क्या लिख सकते हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हुकुम का पत्ता, यहाँ पर हो जाएगा पान का पत्ता, यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगी चिड़ी, और हमारे लिए हो जाएगा ईंट, ठीक है। तो ये चार तरह के पत्ते होते हैं बेटा, तो आप देख सकते हैं दो लाल रंग के हैं, दो ब्लैक कलर्स के हैं, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा ये जो हुक्म वाले जो स्पेड वाले जो कार्ड्स होते हैं ये टोटल कितने होते हैं, तो भाई बता दो इनकी संख्या होती है 13, ये भी कितने होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, ये भी कितने होते हैं बेटा 13, तो कुल मिला के कार्ड्स हमारे पास होते कितने हैं 52। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये जो 13 पत्ते हैं उन 13 पत्तों में क्या क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिए एक पत्ता होता है एस, एक होता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे 10 तक नंबरिंग होती है। फिर उसके बाद हमें दिखता है जैक, उसके बाद हमें दिखती है क्वीन, उसके बाद बेटा हमें दिखता है किंग, तो ये 13 पत्ते होंगे बेटा 13, ठीक है जी। जैसे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये सभी कार्ड्स बेटा मैंने देखो आपके सामने इधर रख दिए हैं, ठीक है, ये देखो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे लिए स्पेड वाली सीरीज हो गई, स्पेड वाले कुल मिला के 13 पत्ते है ना, स्पेड वाले कितने पत्ते 13। अच्छा ऐसे हार्ट वाले ये भी हमारे पास कितने बेटा 13, ओके, ये हमारे पास क्लब वाले भी कितने भाई 13, और ये डायमंड वाले भी बेटा हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, राइट। अब देखो स्पेड वाले कार्ड्स की बेटा जब मैं बात करता हूँ तो देखो आप देख सकते हैं ये एस है बेटा हमारे पास,
इसको एस बोला जाता है। फिर नंबरिंग चलेगी, ये इसको ये एक प्रकार से आपके लिए वन का काम कर रहा है, एस इक्का बोला जाता है बेटा इसको हिंदी में। फिर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 पत्ते तो ये हो गए बेटा। उसके बाद 3 कार्ड अलग से होते हैं जिनको बोला जाता है फेस कार्ड, 3 अलग से पत्ते होते हैं बेटा जिनको बोला जाता है फेस कार्ड, उनको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गए फेस कार्ड, सही बात है बच्चों? ठीक है, तो देखो फेस कार्ड में देखो क्या क्या मिलता है बेटा हम लोगों को, फेस कार्ड में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है वो एक बार बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये हमारे लिए है जैक, सबसे पहले बेटा होता है हमारे पास जैक, फिर होता है क्वीन, और फिर होती है बेटा हमारे पास किंग। ये जो कार्ड बेटा मैंने आपके सामने दिखाए हैं इनमें अलग ही फेसेस ऐसे बनने रखे हैं, लेकिन बेटा आपको मैं बता दूं ये जे है, जे मतलब जैक, जैक का पत्ता जो होता है बेटा उस पर क्या होता है कि एक गुलाम की फोटो बन रखी होती है, ठीक है। क्वीन उस पर बेटा एक क्वीन की फोटो बन रखी होती है, और ये होती है किंग, कि इस पर किंग की फोटो बन रखी होती है। फिलहाल जो कार्ड बेटा मैंने आपके सामने बना रखी है इस पर फिलहाल फोटो भी बननी रखी है, बट मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं, और ये जो फेस कार्ड है बेटा, फेस कार्ड जो हमारे हैं उस पर किसी ना कोई 3 फेसेस बन रखे होते हैं। जैक पे भैया गुलाम का फेस बन रखा होगा, क्वीन पे भैया क्वीन का फेस बन रखा होगा, और यहाँ पर किंग का फेस बन रखा होता है, ठीक है। तो ये जो 3 कार्ड हमारे होते हैं ये होते हैं स्पेड में, ऐसे 3 फेस कार्ड हमारे होते हैं हार्ट में, और 3 फेस कार्ड होते हैं बेटा हमारे पास ये क्लब में, और 3 फेस कार्ड होते हैं बेटा हमारे पास डायमंड में, राइट। अब देखिए जो फेस कार्ड है वो कैसे दिखते हैं बेटा, देखिए जैक वाला जो कार्ड होता है बेटा वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, क्वीन वाला आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, किंग वाला इस तरह से दिखाई देगा, और याद रखिए एस जो है बेटा वो फेस कार्ड नहीं होता, ठीक है। ये फेस कार्ड है भाई, ये 3 फेस कार्ड बेटा कौन से वाले हैं आप देख सकते हैं, इस पे डायमंड बन रखा है ना बेटा, तो ये फेस कार्ड है कौन से वाले, डायमंड में। ऐसे ही 3 फेस कार्ड बेटा इसमें हार्ट में भी होंगे, 3 फेस कार्ड क्लब में भी होंगे, 3 फेस कार्ड स्पेड में भी होंगे। तो कुल मिला के जो फेस कार्ड होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? तो दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जैक है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वीन है, ये हमारे पास किंग है, ठीक है। तो 3 फेस कार्ड कौन से थे, स्पेड वाले थे। ऐसे 3 फेस कार्ड बेटा कौन से, हार्ट वाले, 3 फेस कार्ड क्लब वाले, और 3 फेस कार्ड बेटा हमारे पास डायमंड वाले होंगे। याद रखिएगा एस को फेस कार्ड नहीं माना जाता है, एस को फेस कार्ड नहीं माना जाता है, ठीक है। फेस कार्ड ये 3 ही होते हैं, जैक क्वीन और किंग, ठीक है। अब ये जो टेबल बेटा आपके सामने है इसको देखकर बेटा अब आपसे देखो कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि टोटल एस कितने होते हैं, टोटल एस कितने होते हैं बेटा। तो एस आप देख सकते हैं एस ये 4 ही तो है बेटा, टोटल एस कितने होते हैं, 4, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रेड कलर के कितने एस होते हैं, टोटल एसेस ऑफ रेड कलर, तो आप बोलेंगे एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 ही होंगे भैया, 2 ही एस के होते हैं, एस होते हैं रेड कलर के। ऐसे ब्लैक कलर के टोटल कितने एस होते हैं, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं ब्लैक कलर के भी भैया 2 एस होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल टोटल जो हमारे पास कार्ड से बेटा उसमें से टोटल फेस कार्ड कितने हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, तो आप बोलेंगे भैया फेस कार्ड 3 तो यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे भाई हमारे पास, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। अब उसमें सुनेगा टोटल रेड कलर के कितने फेस कार्ड होते हैं, रेड कलर के, तो आप बोलेंगे 3 ये रहे भैया और 3 ये रहे, तो 6 फेस कार्ड बेटा ऐसे हैं जो रेड कलर के हैं। फिर मैं पूछता हूँ टोटल फेस कार्ड कितने हैं जो ब्लैक कलर के हैं, तो आप बोलेंगे 3 ये रहे और 3 ये रहे भैया, तो 6 हो गए बेटा ये भी। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि हार्ट में कितने फेस कार्ड होते हैं, हार्ट में, तो आप बोलेंगे हार्ट में भैया 3 फेस कार्ड हैं। अब क्वेश्चन सुनेगा मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल किंग कितने होते हैं, किंग, तो आप बोलेंगे एक किंग ये रहा एक किंग ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, तो टोटल किंग कितने होते हैं बेटा, आप बोलेंगे 4 किंग होते हैं बेटा। अब मैं पूछूं रेड कलर के कितने किंग होते हैं, तो आप लोग एक किंग यहाँ मिलेगा एक यहाँ मिलेगा, 2 ही किंग होते हैं बेटा जो रेड कलर के होते हैं। अगर मैं पूछूं कि टोटल ब्लैक कलर के कितने किंग होते हैं, तो आप लोग एक ही रहा भाई और एक ही रहा, तो आप लोग टोटल 2 ब्लैक किंग होते हैं बेटा हमारे पास। तो देखो इस तरह से ना आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार, इसी ध्यान रखिएगा टोटल कार्ड कितने बेटा 52, उस 52 में सिर्फ ये 4 ही एस कार्ड हैं, ठीक है, और ये 12 बेटा हमारे लिए फेस कार्ड हैं। हर एक स्वीट में चाहे स्पेड हो हार्ट हो क्लब हो डायमंड हो, स्पेड में एक एस होगा एक जैक होगा एक क्वीन होगी एक किंग होगा, ऐसे हार्ट में भी एक एस एक जैक एक क्वीन एक किंग, ऐसे हर एक सूट में बेटा ये चलता है, स्पेड हो हार्ट हो क्लब हो या डायमंड हो,
ठीक है। तो ये चीज बड़ी टेबल आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, इसको याद अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपके पास देखो क्या आ सकते हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं बेटा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास आ चुका है, इसे अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, कहता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखिए सोचिए हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने बेटा हमारे पास है टोटल कार्ड्स 52। कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। पहले पार्ट में क्या पूछ लिया गया कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सोचो कि टोटल रेड कार्ड होते कितने हैं, टोटल रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं। तो आप बोलोगे भैया 13 तो ये रहे और 13 ये रहे, ठीक है 13 ये रहे और 13 ये रहे, 13 और 13 कितने हो गए बेटा 26 हो गए ना। तो रेड कलर के जो कार्ड है बेटा टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं। तो अब अगर मुझसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 26 के अपॉन में 52 और योर आंसर विल बी 1/2। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है, ओके। फिर सेकेंड पार्ट में क्या कहता है बेटा, कहते कि अ नॉन एस, देखिए ध्यान से समझिए कि नॉन एस कह रहा है, देखो टोटल कार्ड कितने 52, उसमें एस कितने होते हैं। आप बोलेंगे एस तो चार होते हैं ना, आप देख सकते हैं ये चार ही तो हमारे लिए एस है भाई, इन चार को तो बट हम लोग क्या बोला करते हैं एस बोला करते हैं, ये चार हमारे लिए एस हैं। तो बाकी के जितने भी बच गए बटे ये सब हमारे लिए क्या है भाई, ये सब के सब हमारे लिए नॉन एस हैं भाई, ठीक है। तो एस चार हैं तो नॉन एस कितने हो जाएंगे भाई, नॉन एस हो जाएंगे 52 माइनस में 4 यानी कि 48। अब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछी गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन एस, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई बेटा, नॉन एस की प्रोबेबिलिटी आप लोगों से पूछी गई है। तो देखो आप उसमें क्या लिख देंगे कि नॉन एस हैं कितने 48, टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो आपका जो आंसर है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा नॉन एस हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 1, 2 और 13, 12/13 इसका आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों। फिर चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, उसमें क्या बोला गया, कहते कि अ किंग और अ जैक, कि या तो किंग या जैक। तो देखो किंग कितने होते हैं हमारे पास 4, जैक कितने होते हैं बेटा 4, तो टोटल कितने हो गए बेटा 8, टोटल कितने हो गए बेटे 8। अब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ लेगी, किंग और जैक। तो देखो किंग है हमारे पास 8 और किंग और जैक दोनों मिला के हमारे पास 8 हैं और टोटल है 52, तो 4 × 8 और अपॉन में बेटे कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा 2/13, ओके किंग और अ जैक। फिर इसका जो फोर्थ पार्ट है बेटा उसमें क्या बोला गया, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना तो हमें किंग चाहिए ना ही हमें क्वीन चाहिए। देखो भाई अब देखो सोचो फोर्थ पार्ट की तरफ चल रहे हैं, टोटल कार्ड कितने हैं 52, उसमें किंग कितने हैं 4, क्वीन कितनी है भाई, क्वीन भी 4, तो इन दोनों को माइनस कर दो। हमारे पास अब जो बचेंगे बेटा नाइदर किंग एंड नॉर क्वीन, ना तो हमें किंग चाहिए और ना ही हमें क्वीन चाहिए, तो 52 में से 8 आप माइनस कर दो, जो आपका जो बचेगा बड़ा बचेगा 44। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए बड़े किस चीज़ की, नाइदर ना तो हमें किंग चाहिए एंड ना ही हमें क्वीन चाहिए, ठीक है। तो किंग और क्वीन दोनों को हटा दो भाई, तो 52 में से 4 हटाए किंग हटा दी बचे 48, 48 में से क्वीन भी हटा दो 4, 4 क्वीन हटा दो तो 44, तो 44 डिवाइड कर देंगे 52 से और हमारा जो आंसर बेटा बन जाएगा 11/13, ये इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि ऑल द थ्री फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कहते कि जो टोटल 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं उसमें से जो स्पेड वाले तीन फेस कार्ड होंगे ना, तीन फेस कार्ड होंगे किंग क्वीन जैक, कह रहे उन तीनों को हटा दो, ठीक है। यानी अब सोचो अब हमारे पास टोटल कार्ड्स बचे कितने, सोचिए बेटा टोटल कार्ड्स अब हमारे पास कितने बचे होंगे। तो आप बोलेंगे कि आपका जो जवाब है, पहले थे 52, उसमें से तीन फेस कार्ड आप लोगों ने हटा दिए, कौन कौन से, एक आप लोगों ने किंग हटा दिया स्पेड वाला, एक आपने क्वीन हटा दी स्पेड वाली और एक आपने जैक हटा दिया स्पेड वाला, ठीक है। यानी तीन ब्लैक कार्ड तो वैसे ही आपके कम हो गए, अब आपके पास कार्ड कितने बचे 49, ठीक है। कहते हैं नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक फेस कार्ड, अब आपसे क्या पूछा गया कि ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे। तो देखिए बेटा ऐसा है ना, फेस कार्ड की जब बात की जाती है तो फेस कार्ड वैसे तो टोटल होते हैं, फेस कार्ड वैसे टोटल कितने होते हैं
फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, लेकिन अगर हम बात करें ब्लैक फेस कार्ड की तो ब्लैक फेस कार्ड होते हैं 6, 3 होंगे स्पेड में, 3 होंगे क्लब में, राइट। बट उसमें से भी बेटा आपने स्पेड वाले 3 कार्ड हटा दिए, तो बचे कितने बेटा अब आपके पास, ठीक है, बचे कितने आपके पास कार्ड, आप बोलेंगे हमारे पास बचेंगे 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा देखो आप डायग्राम देखिए, आप देख सकते हैं जो ब्लैक फेस कार्ड होते हैं बेटा, ये देखो 3 ब्लैक फेस कार्ड ये रहे और 3 ब्लैक फेस कार्ड बेटा आपके पास ये रहे, ठीक है। तो अब आपसे बोला जाता है कि आपने स्पेड वाले 3 कार्ड हटा दिए, अब आपके पास फेस कार्ड बचे कितने, तो आप बोलेंगे ये 3 ही तो आपके पास फेस कार्ड बचेंगे, ये 3 वाले, इनको आपने यहाँ से हटा दिया है, आपने इनको हटा दिया। अब जब इनको हटा दिया गया बेटा तो अब आपके पास फेस कार्ड ब्लैक वाले से भी 3 ही होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी, ब्लैक प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, तो आपका जो जवाब होगा बेटा वो होगा 3/49, आपको इस बार 49 से डिवाइड करना होगा, राइट। तो इसका पहले पार्ट का आंसर है। अब ऐसे बेटा सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, फिर कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, अब एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सोचिए क्वीन वैसे तो टोटल हमारे पास कितनी होती हैं, क्वीन जो हमारे पास होती हैं टोटल वो होती हैं 4, 4 में से भी बेटा आपने स्पेड वाली एक क्वीन को तो हटा दिया, भाई लोग ऐसा है क्वीन जो बेटा हमारे पास होती हैं वो कितनी होती हैं, क्वीन हमारे पास होती हैं 4, 4 क्वीन है बेटा, पहली दूसरी तीसरी चौथी, बट उसमें इसमें स्पेड वाले को बेटा आपने अगर यहाँ से हटा दिया तो क्वीन बची कितनी, 1, 2 और 3, तो 3 ही क्वीन बची हैं भाई, ठीक है। तो अब लो बेटा इसको लिख लो, क्वीन पहले थी 4, उसमें से 1 हट गई, 4 में से बेटा आप लोगों ने एक क्वीन को यहाँ से हटा दिया है, तो क्वीन बची कितनी, 3। अब मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, तो आपका जवाब होगा 3/49, इसका आंसर आ गया भाई। फिर थर्ड पार्ट में क्या पूछता है कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ब्लैक कार्ड थे भाई वैसे तो 26, ठीक है, बट उसमें से 3 फेस कार्ड तो हट गए ना भाई, तो ब्लैक कार्ड बचे कितने, 23। तो अब ब्लैक कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी बेटा आपके पास बचेगी वो हो जाएगी 23/49। तो ये पार्ट बेटा हमारा यहाँ पे हो जाता है समाप्त। तो चलिए बच्चों अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है भाई कि 5 कार्ड्स कौन कौन से, द 10 जैक, देखो एक कार्ड कौन सा है जिसपे लिखा हुआ है 10, एक कार्ड कौन सा है जिसपे क्या लिखा हुआ है जैक, एक कार्ड कौन सा है जिसपे लिखा हुआ है क्वीन, एक कार्ड कौन सा बेटा जिसपे क्या लिखा हुआ है एस, और एक पे लिखा हुआ है किंग। ये सारे कौन से वाले, डायमंड के, ये भी डायमंड का है, ये भी डायमंड का है, ये भी डायमंड का है, ये भी डायमंड का, और ये भी डायमंड का है, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। देखो भाई हमने क्या किया, जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना, उन 52 कार्ड में से 47 को साइड कर दो और तुम क्या करो 5 कार्ड अपने हाथ पे रखो, कौन कौन से, डायमंड वाला 10, डायमंड वाला जैक, डायमंड वाली क्वीन, डायमंड वाला एस और डायमंड वाला किंग। यानी कि तुमने तीनों फेस कार्ड तो अपने पास रखे ही हैं, जैक भी, क्वीन भी, किंग भी, साथ में तुमने एस भी अपने पास रखा और 10 भी अपने पास रखा, ठीक है, यानी तुम्हारे पास अब टोटल 5 कार्ड है, राइट। अब पहले पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन, अब बताओ एक क्वीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन सोचो, अब क्वीन तुम्हारे पास एक ही तो है यार 5 में से, तो आंसर आ जाएगा 1/5, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, जो आपके क्वीन की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/5, खत्म। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन, कह रहा क्वीन को भी निकाल दो, अब यहां से क्वीन को भी हटा दो, उसको भी साइड कर दो, तो अब कार्ड कितने बचे, 1, 2, 3 और 4, 4 कार्ड आपके पास बचे। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो क्वीन आपने हटा दी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज एन एस, अब एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सोचो एस तो हमारे पास एक ही है, टोटल पत्ते 4 हैं, ठीक है खत्म। फिर ये आपका ये ए था इसमें, अब इसमें ही बी, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, क्वीन की, बताओ भाई अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन नहीं है, क्वीन नहीं है, क्वीन नहीं है, क्वीन नहीं है, क्वीन है ही नहीं भाई, तो 0/4 और आपका आंसर आ जाएगा 0, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी भाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर हो जाता है बेटा समाप्त। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है कि देखो कार्ड वाले जो क्वेश्चन वो जो भी पॉसिबल है बेटा वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, कहते हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, लिखा हुआ है रैंडमली,
अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड में से बेटा हमने एक कार्ड ड्रॉ किया। देखो टोटल कार्ड है कितने हमारे पास, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं बच्चों, तो आपका जवाब होगा 52। कह रहे कि नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ऑफ स्पेड और ऑफ एन एस। पहले कार्ड में जो बोलता, पहले पार्ट में जो बोला बेटा कि कार्ड या तो स्पेड हो या फिर एक एस हो, स्पेड और एस। तो जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्पेड हमारे पास टोटल कितने होते हैं, आप बोलेंगे 13। एस हमारे पास टोटल कितने होते हैं, आप बोलेंगे 4। लेकिन सोचिए ये एस और स्पेड, ये चार जो एस थे बेटा, वो चार एस में तो बेटा एक स्पेड के अंदर भी होगा ना, तो वो तो इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो एक आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो जवाब होगा बेटा वो होगा 16। दोबारा देखिए, स्पेड टोटल कितने होते हैं, आप बोलेंगे 13। अब आपको स्पेड के साथ साथ एस भी चाहिए, तो एस वैसे तो चार होते हैं लेकिन एक एस इसके अंदर जुड़ चुका है, इस 13 में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पे कायदे से चार नहीं ऐड करना चाहिए, 3 ऐड करना चाहिए बेटा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो टेबल के थ्रू देखते हैं, जो टेबल हमने बनाई थी। देखिए समझिएगा बेटा, मुझसे क्या बोला गया, या तो स्पेड या फिर एस। तो देखो बच्चों ऐसा है ना, स्पेड हमारे पास कितने, स्पेड हमारे पास कितने, आप बोलेंगे 13। ठीक है, और एस कितने हमारे पास, आप बोलेंगे 4। ठीक है, तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। बात समझ में आ रही बच्चों, यानी कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इन 13 स्पेड में बेटा आप लोगों ने सिर्फ इन तीन को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों, यानी कि बेटा इस बार जो हमारा आंसर होगा, यानी कि इस बार जो बेटा हमारा आंसर होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एस। तो आप क्या बोलेंगे इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एस। तो भाई देखो टोटल कार्ड है कितने, 16, डिवाइड करेंगे किससे, 52 से, तो बन जाएगा 4/13। ठीक है, स्पेड थे 13, उसमें एक एस ऑलरेडी आ चुका है और 3 एस उसमें और जोड़ने थे, तो 16 बेटा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पर आ जाओ, फिर क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग, रेड किंग। तो देखो रेड किंग होते कितने हैं, रेड किंग तो दो ही होते हैं, एक डायमंड में होता है और एक हार्ट में होता है, तो दो। तो प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ली जाए रेड किंग की, भाई रेड किंग की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो आप जवाब दे देंगे 2/52, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/26। ये इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या बोलते हैं, आइदर अ ब्लैक और अ किंग, या तो एक ब्लैक या किंग। ठीक है, अब देखो भाई ब्लैक कितने होते हैं, ब्लैक होते हैं 26, किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4। लेकिन सोचो ये जो चार किंग होंगे, वो चार किंग में से दो किंग तो इसमें ऑलरेडी ऐड हो रखे होंगे ना बेटा, तो आपको दो को माइनस करना पड़ेगा भाई, तो आपका जो आएगा बेटा 28 बन जाएगा। अगर बात नहीं समझ में आई तो जरा ये समझो बेटा, देखो ब्लैक बोला या फिर किंग बोला, राइट। तो देखिए बेटा ऐसा है ना, ब्लैक या किंग, देखिए ब्लैक कितने हैं, 13 ब्लैक तो ये रहे। ठीक है, 13 कितने कार्ड हो गए, 26, राइट, 26 कार्ड हो चुके हैं। अब किंग कितने, किंग देखो एक किंग ये बच गया और एक किंग ये बच गया, तो 13 और 13 26 और 2 28। आप इसको नहीं इंक्लूड करोगे क्योंकि 13 में बेटा ये आ चुका है ना, तो 13 और दो कार्ड बेटा ये आपके रह गए, तो आप बोलेंगे कि भैया 26+2 होगा। ठीक है, 26+2 यानी कि 28, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने 26+2 ही तो किया है, देखो क्या बन गया, 28। और अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए कि ब्लैक और किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप जवाब देंगे 28/52, और आपका जो आंसर आएगा बेटा 4 से देखो डिवाइड होगा, 4 से 28 और यहाँ आ जाएगा 13। सही इसका आंसर आ गया भाई। फिर फोर्थ पार्ट में क्या पूछता है भाई, क्या देखिए, आइदर अ रेड और एन एस, या तो रेड हो या एस हो, रेड या एस। ठीक है, अब सोचिए रेड या एस की बात कर रहा है, रेड और एस, तो रेड कितने होते हैं, 26, एस कितने होते हैं, 4। बड़े रेड और एस में कुछ कॉमन भी तो रहा होगा ना, उस कॉमन को हटाओ भाई, 4 एस होते हैं, तो 4 में से 2 एस तो आपने यहाँ ऑलरेडी जोड़ दिए हैं,
ठीक है, दो एस आपको और ऐड करने पड़ेंगे, मतलब यानी आपने लेकिन चार ऐड किया तो दो हटा दो यहाँ से, जो कॉमन था ना उसको हटा दो, तो कितना आ जाएगा 28। रेड बोला रेड थे 26, एस होते हैं चार, लेकिन दो कॉमन थे, उन कॉमन को बट आपने यहाँ से माइनस करना है। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड या एस, तो आपका जवाब होगा बेटा अगेन 28 अपॉन में 52, 428 बटे में 13। तो बेटा ये थे हमारे कार्ड वाले क्वेश्चन। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ आपके समझ में आया होगा, ऐसे बेटा कई क्वेश्चन आपकी बन सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके तो अब हम चल रहे हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कहते हैं 240 स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स आप बोलेंगे 240। ओके कह रहे आउट ऑफ विच 50% गो फॉर योगा, योगा वाले कितने हो गए भाई, हो गए 50%। ठीक है, 25% गो फॉर जिम क्लब, जिम जाने वाले कितने हो गए भाई, वो हो गए यहाँ पे 25%। 15% कौन है, मॉर्निंग वॉक वाले, मॉर्निंग वॉक वाले भैया 15% है। अब देखो जो जो भी टोटल स्टूडेंट हैं उन सबका देखो, इन योगा जिम वॉक इन सबको अगर टोटल करो तो 100% आना चाहिए भाई। ठीक है, यानी कि ये समझ सकते हैं कि 240 का 50% बच्चे योगा कर रहे हैं, यानी कि 120 बच्चे योगा कर रहे हैं, 25% बच्चे यानी कि 60 बच्चे जिम कर रहे हैं, 15% बच्चे, ठीक है, तो 15% में क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो 36 बच्चे बेटा हमारे योगा यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए हमारी जो टोटल स्टूडेंट है वो है 240, और आप ध्यान से देखेंगे तो इनका टोटल, इन सबका टोटल भी 240 आना चाहिए, जो कि अभी आ नहीं रहा है, राइट। फिर क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव जॉइंड द लाफिंग क्लब, भैया देखो ये हंसने वाले बच्चे लाफिंग क्लब इन्होंने ज्वाइन कर रखा है भाई। ठीक है, अब वो कितने हैं जरा सोचो, इन सबका टोटल वैसे 100 होना चाहिए, तो लेकिन 50 और 25 और 15 ये हो रहा है 90, तो ये पक्की बात है कितना होगा भाई, ये 10% हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि ये जो है 24 बच्चे बेटा हमारे अभी भी कौन होंगे, जो ये लाफिंग क्लब वाले होंगे। ठीक है, तो बेटा आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु हैव जॉइन द लाफिंग क्लब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाफिंग क्लब वाले स्टूडेंट्स की वो हो जाएगी, देखो 10%, यार देखो इसकी ना जरूरत ही नहीं थी वैसे, तो अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 24 अपॉन में 240, आंसर 1/10 आएगा, पर मैं ऐसे नहीं करता, मैं सिंपली इसके बेसिस पे भी सीधा आंसर बता सकता था, एक नंबर का क्वेश्चन है, इनका टोटल कर लो, बचा यहाँ पे 10%, तो सीधा आप 10/100 भी कर सकते हो, तो परसेंटेज है ना, तो आपका आंसर तब भी क्या आना है बेटा, 1/10 आना है। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आ चुका है, क्या देखिए, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। देखो भाई लोग ऐसा ना, नंबर शुरू हो रखे बेटा कहाँ से, 1, 2, 3 ऐसे कहाँ तक, 90 तक। क्या देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ टू डिजिट नंबर, अब देखो टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं भाई, जो शुरू होते हैं 10 से 11 12, कहाँ तक जाएंगे भाई, ऐसे 90 तक जाएंगे, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल टू डिजिट कितने नंबर हो जाएंगे। तो देखो वैसे तो देखो टोटल नंबर 90 हैं, और 90 में 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 6 7 8 9 पहले 9 नंबर नहीं आए, तो यानी कि टू डिजिट वाले टोटल नंबर कितने हैं, 81, चाहे तो गिनने बैठ जाओ भाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले 90 में से पहले 9 को हटा दिया, तो प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई बेटा, टू डिजिट नंबर की, तो हो जाएगा 81/90, और आपका आंसर आ जाएगा बेटा 9/10। ऐसी सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कहते कि अ परफेक्ट स्क्वायर, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं वो नंबर जो किसी का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ऐसी 16 25 36 49, और 49 के बाद फिर आता है अपन का 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 तो बट इसको क्रॉस कर गया ना, तो 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, 1 4 9, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का, तो टोटल 9 नंबर है बेटा यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ली जाए परफेक्ट स्क्वायर की, तो 9 ही नंबर है कितने में से, 90 में से, तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा 1/10, राइट। फिर बोलता है कि अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 5,
तो बेटा देखो, 5 से डिविजिबल, 5, 10, 15, 5 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, ठीक है, ऐसे 85 भी होगा और 90 भी होगा, तो आई थिंक 18 नंबर ऐसे होने चाहिए भाई, अगर आप गिनो इनको तो 5 × 50 और 5 × 40, तो 10 और 8 18, तो प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 5, तो 18 नंबर है 90 में से, तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो 1/5 आ जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एक आसान क्वेश्चन, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आपके देख सकते हैं भाई ये, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कहता बेटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एग इन अ लॉट ऑफ, देखो टोटल एग कितने हैं मेरे पास, टोटल एग है बेटा 400, और उसमें से प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव एग की, डिफेक्टिव एग उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रखिए 0.035, राइट। कहते कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग, तो देखो ऐसा है ना, ये जो 400 एग है उसमें से कुछ डिफेक्टिव होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉन डिफेक्टिव होंगे, जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी निकलती कैसी है, आप पहले ये देखोगे कि टोटल डिफेक्टिव एग उसे डिवाइड करोगे टोटल एग से, तो वो किसके इक्वल आ रहा है 0.035 के, ठीक है। तो टोटल डिफेक्टिव एग अगर निकालना है बेटा तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से, वो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.035 के। अब देखिए डिफेक्टिव एग आपके कितने आ जाएंगे, 400 की मल्टीप्लाई कर दो 0.03 और 5 के साथ, तो 4 × 3.5 हो जाएगा, और 35 × 3.5 × 4 ये आपको हो जाएगा 14, तो कुल मिला के जो डिफेक्टिव एग है बेटा आपकी वो 14 है, कितने में से 400 में से, राइट। अब क्या पूछा गया, कहते कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ नॉन डिफेक्टिव एग, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा नॉन डिफेक्टिव एग कितने हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव एग तो बेटा 400 में से 14 को हटा दो, ये बन जाएगा आपके लिए कितना 386, तो बेटा इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 386 को डिवाइड करना पड़ेगा बेटा आपको 400 के साथ, और एक तरीका क्या है, 1 में से इस 0.035 को माइनस कर दो बेटा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.965, ठीक है, लगभग यही आंसर इसका आना चाहिए। कैलकुलेशन भाई मेरी मिस्टेक हो सकती है, वो आप लोग देख लेना यार, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की झड़ी लग रखी है बेटा यहाँ पे, ठीक है, फटाफट सारे क्वेश्चन निपटते जा रहे हैं। कहते कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, किसी गेम को जीतोगे भैया कितने चांसेस हैं, x/12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम, अब प्रोबेबिलिटी को हारने के जो चांसेस है भाई वो 1/3 है। कहते कि अब x किसकी इक्वल होगा, तो देखो एक बात याद रखो, जीतने के चांसेस और हारने के चांसेस दोनों को जोड़ के 1 ही तो आएगा, तो देखो ये x/12 है और हारने के 1/3 है। कैलकुलेशन सॉल्व करो भाई, एलसीएम ले लो यहाँ पे 12, इधर आ जाएगा 4 1, तो x प्लस 4 जो है बेटा वो 12 के इक्वल, और हमारे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितने, x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया भाई। तो देखिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चों को समझने में भी इस क्वेश्चन को काफ़ी दिक्कत होती है। कहता है कि इन अ नॉन लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, एक नॉन लीप ईयर में 53 संडेज होंगे, 53 संडेज होंगे, इसके क्या चांसेस हैं। तो देखो इस चीज़ को ना फिलहाल अभी एक काम करते हैं, 53 को भूल जाते हैं, ठीक है, मैं लीप ईयर को भी भूल जाता हूँ, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन 15 रेगुलर डेज चांसेस ऑफ 3 संडे, 3 संडे आने के चांसेस क्या हैं, बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो 15 दिन की बात हो रही है, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां और 15वां, 15 दिनों की बात हो रही है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि 15 दिन है, ठीक है, और उन 15 दिनों में 3 संडे होंगे, इस चीज़ के चांसेस बताओ क्या है भाई। तो सोचो पहला दिन आपका क्या होगा, मान लेते हैं संडे है, तो दूसरा दिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और
संडे, शुरुआत आपने करी संडे से, ठीक है। तो देखो एक संडे तो आपको ये मिल गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक संडे आपको यहाँ मिल गया और एक संडे आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपने एक चीज़ देखी कि भैया देखो ये जो 15 जो नंबर है ना भाई, 15 सेवन से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, 15 जो होता है वो सेवन से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 15 को डिवाइड करोगे सेवन से तो आपको क्या मिलेगा भाई, आप बोलोगे 7 2 14, रिमाइंडर में बचेगा 1। तो इसका ये देखो क्वेश्चन क्या मिला, 2, यानी कि 2 वीक्स तो कंप्लीट हो रहे हैं भाई। अगर मैं 15 दिनों की बात करूंगा तो 2 वीक्स तो आपको कंप्लीट मिल रहे हैं, और उन 2 वीक्स में 2 संडे तो कंफर्म है, 2 मंडे भी कंफर्म है, 2 ट्यूसडे भी कंफर्म है, 2 वेंसडे भी कंफर्म है, 2 ट्यूसडे भी कंफर्म, 2 फ्राइडे भी कंफर्म होंगे ही होंगे, ठीक है, 2 सैटरडे भी होंगे ही होंगे। लेकिन जो एक दिन बच जाएगा ना, एक दिन, वो जो एक दिन है, उस एक दिन में क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि तुमने शुरू कहाँ से किया था। शुरुआत अगर संडे से हुई है तो ख़त्म संडे पे होगा, शुरुआत मंडे से हुई है तो ख़त्म मंडे पे होगा, शुरुआत ट्यूसडे से हुई है तो ख़त्म भी ट्यूसडे से होगा। और जिस दिन भी आप लोगों ने बेटा शुरुआत करी, जिस भी डे से आपने शुरुआत करी, उसी डेज पर वो ख़त्म भी होगा। और उसमें आप ये चीज़ देखोगे बेटा कि इन 15 दिनों में आपको 3 वो वाले डेज मिल जाएंगे जिससे आपने शुरुआत करी है। यानी कि अगर मान लो आपने संडे से शुरुआत करी होती तो एक संडे यहाँ पड़ता, एक संडे यहाँ पड़ता, एक संडे यहाँ पड़ता, तो 3 संडे आपके हो जाएंगे। अगर मान लो शुरुआत मंडे से करोगे तो एक मंडे यहाँ पर होगा, एक मंडे यहाँ पर आएगा, एक मंडे यहाँ पर आएगा, तो 3 मंडे हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखोगे कि शुरुआत आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, शुरुआत संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, इन 7 डेज में से किसी एक से ही तो शुरुआत करोगे ना, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 7। और उसमें से फेवरेबल तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें संडे चाहिए, तो फेवरेबल तो एक ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1/7। तो ये था बड़ा इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है। लेकिन ये कब की बात है, जब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, जब हमें 15 डेज की बात करेगा। अब हम बुक के इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब हम अपने इस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसमें देखो क्या लिखा गया था, देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कहता है कि इन अ लीप ईयर, देखो सबसे पहले तो ये देखो लीप ईयर जो होता है बेटा, लीप ईयर उसमें 366 दिन होते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में बेटा जो आपके डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, नॉन लीप ईयर में डेज होते हैं 365। अब इन 365 डेज में सोचो कि कंप्लीट कितने वीक हैं, ठीक है। तो टोटल, तो एक काम करो 365 को डिवाइड करके देख लो 7 से, 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ मिलेगा 52 और 364, रिमाइंडर में आपका बचेगा 1। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट 52 वीक्स हैं, कंप्लीट वीक्स कितने भाई, वो है 52। यानी कि 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये तो कंफर्म है, लेकिन फिर भी एक दिन बच जाएगा, ठीक है जी। रिमेनिंग डेज कितने बेटा, वो है 1। अब बताओ इस बचे हुए एक दिन में क्या क्या पड़ सकता है। देखो 52 संडे तो कंफर्म है ही, अगर इस बचे हुए एक दिन में भी संडे पड़ गया तो उस पूरे साल में 53 संडे हो जाएंगे फिर, है ना। तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या है उस बचे हुए एक दिन में, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है बेटा। तो आप बोलोगे संडे है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, 53 संडे की, यानी कि उस बचे हुए एक दिन में भी संडे पड़ना चाहिए। और उस बचे हुए एक दिन में क्या क्या हो सकता है, इन 7 में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, संडे। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा 1/7। ये कब की बात है, जब एक नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है और आपसे पूछा गया 53 संडेज। ऐसे देखो इसमें क्वेश्चन आपके लिए और बनता है, कहता है कि इन अ लीप ईयर, इस बार लीप ईयर कह दिया, पिछले वाले में क्या था, नॉन लीप ईयर था। तो इसमें देखो लीप ईयर की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो इसमें होते हैं 366 डेज, ठीक है। और अब आपसे प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछी, 53 संडेज की। तो देखो ऐसा है ना, 366 को जब आप डिवाइड करते हो भाई 7 से, यानी कंप्लीट वीक जानने के लिए 366 को डिवाइड करो 7 से, तो 364, रिमाइंडर में बचेगा 2, राइट। तो देखो इसमें क्या है ना, 52 वीक्स तो कंप्लीट है। अब बताओ वो जो रिमेनिंग डेज हैं, रिमेनिंग डेज कितने हैं, 2। 52 वीक्स तो कंप्लीट है भाई, बट डेज कितने रह गए, 2। उन रिमेनिंग डेज में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बेटा, आप बोलोगे संडे मंडे, ठीक है, पॉसिबिलिटीज आप बोलोगे संडे मंडे,
मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे। मतलब 2 दिन लगातार पढ़ रहे हैं ना यार। अगर पहला दिन संडे होगा तो दूसरा दिन मंडे होगा, पहला दिन मंडे होगा तो दूसरा दिन ट्यूसडे होगा। तो यही तो है। अब आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए? 53 संडेज की। यानी उन 2 दिनों में से, उन बचे हुए 2 दिनों में से किसी एक दिन अगर संडे पड़ गया ना, तो समझ लो उस साल में 53 संडे हो जाएंगे। अब जरा सोचो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। आपको संडे चाहिए तो संडे एक तो इसमें आ रहा है और एक संडे यहाँ पर आ रहा है लास्ट में। तो आपका जो आंसर होगा बड़ा इस बार क्या हो जाएगा, 2/7। ओके, ये भी समाप्त। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इन अ लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और 53 मंडे। 53 संडे भी चाहिए और 53 मंडे भी चाहिए। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था आंसर, था 2/7। अब इस बार क्या बोल दिया कि 53 संडे चाहिए, 53 मंडे चाहिए। ठीक है, 53 संडे एंड 53 मंडे। ठीक है, कब की बात कर रहा है, लीप ईयर की बात कर रहा है। तो देखो टोटल पॉसिबिलिटी तो 7 है, और 53 संडे तब होंगे जब उन 2 दिनों में से एक दिन संडे का होगा, और 53 मंडे तब होंगे जब उन 2 दिनों में से एक दिन मंडे का होगा। तो पहला दिन संडे का होना चाहिए, दूसरा दिन मंडे का होना चाहिए। तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, वो कब हो सकता है, जब पहला दिन संडे हो और दूसरा दिन मंडे का हो। तो इसका जो आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा, 1/7। तो मेरे दोस्तों, तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब को हम लोगों ने इस वीडियो में खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अब मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। इस चैनल पे क्लास 10th का सारा कंटेंट आ चुका है। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक बेटा, ये आपका प्रोबेबिलिटी तक पूरा बेटा सारा मैंने इस यूट्यूब पे डाल दिया। सिर्फ एक चैप्टर आपका नहीं आया, कंस्ट्रक्शन, उसके लिए भी कंटेंट मैं बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे बेटा, तो वो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन बाकी के जो 14 चैप्टर से बच्चों, उनको आप अच्छे से एक बार कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि एनसीईआरटी अच्छे से करना, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए भाई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है यार। अब प्रैक्टिस के लिए बेटा सीबीएसई का जो सपोर्ट मटीरियल है, अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना सीबीएसई सपोर्ट मटीरियल, तो वो आपको बेटा एक लिंक, सबसे पहला लिंक जो होगा उसको डाउनलोड, उस पर ही क्लिक कर लेना बेटा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ना मिले बच्चे, तो मैं एक काम करूँगा, उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो यहीं से ही देखने को मिलता है। साथ साथ कोई अगर केस स्टडी के लिए कोई अगर एक्स्ट्रा बुक आपके पास हो, तो वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो बेटा। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों, चाहे मेरे चैनल से मिलें, किसी किताब से मिलें, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से मिलें, किसी दूसरी वेबसाइट से मिलें, कहीं से भी पढ़ने का मौका मिले बेटा, तो पढ़िए यार, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप लोग किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हो या फिर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, वो इस वीडियो को कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो बच्चों, तो इसको आगे भी शेयर करना। ठीक है ना, तो बाकी हम आपसे सीधा अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।